ऑल राइट, सो वेलकम टू आयुष शर्मा डिफेंस। मैं आयुष आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद है मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही होगी। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण पढ़ाव कह लो इसे तो, मैथमेटिक्स का, जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बच्चे इस चीज को फील नहीं कर पाते। परसेंटेज को फील करने वाला टॉपिक है, रटने वाला टॉपिक नहीं है। देखो, परसेंटेज बना है दो वर्ड से, एक तो पर और एक सेंट। आगे बढ़ने से पहले गणपति बप्पा, गणपति भगवान, गणेश भगवान जी का नाम है, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। ये लो, देखो परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, पर सेंट की बात हो अगर, पर सेंट का मतलब होता है पर हंड्रेड, पर हंड्रेड, यानी कि आप कहोगे अगर मैं कहता हूं 20%, अगर मैं कहता हूं 20%, तो आप कहोगे ये इसका मतलब होता है 20 पर 100। 20% का मतलब हुआ 20 पर 100। अगर मैं बात करता हूं 10% की, तो आप कहोगे 10% का मतलब हो जाएगा 10 पर 100। अच्छा, 20 बाय 100 को हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से कह सकते हैं 1 बाय 5। 10% को हम कह सकते हैं 1/10। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करता हूं 40% की, भाई 20% इंटू 2 यानी कि 40%। अगर मैं बात करता हूं 40% की, तो 40% का फ्रैक्शन क्या बनेगा रे? 2/5। अगर आप बात करते हो 60% की, तो फ्रैक्शन बनेगा 3/5। अगर आप बात करते हो 80% की, तो बनेगा 4/5। और अगर आप बात करते हो 100% की, तो बनेगा 5/5 यानी कि 1। 100% का मतलब फ्रैक्शन के टर्म्स में एक ही होता है। समझ में आई बात? ये बात सभी को समझ में आई? परसेंटेज का छोटा सा इंट्रोडक्शन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक किसी को, छोटा सा इंट्रोडक्शन बहुत ही, ठीक है। अब मैं कुछ, तुषार महाराज ने कह रहा है जय हिंद, ठीक है जय हिंद। अब मैं कुछ रेशियोज आपको लिखवाऊंगा, जो रेशियोज आपके एग्जाम में एज इट इज आते हैं, और मैं चाहूंगा कि आपको टाइम के साथ, भाई माइक ऑफ कर लो यार, इतना आवाज नहीं। मैं चाहता हूं कि ये रेशियोज आपको टाइम के साथ याद हो जाएं, क्योंकि याद होने बहुत जरूरी है, एग्जाम में एज इट इज आते हैं। देखो, पहला ग्रुप तो हो गया आपका ये वाला, 20%, 10%, 40%, 60%, 80%। एक ग्रुप अगर मैं आपसे कहता हूं कि 10% का मतलब क्या होता है, आप कहोगे मास्टर जी होता है 1/10। तो मैं कहूंगा 5% का मतलब क्या होगा, आप कहोगे मास्टर जी 1/20। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूं 15% का मतलब क्या होगा, आप कहोगे 5% में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3/20। एक ग्रुप ये बन गया, छोटा सा ग्रुप, बड़ा प्यारा सा। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप, जो होता है 25% वाला। 25% का मतलब होता है 25/100 या फिर 1/4। 25% का दुगना कर दोगे आएगा 50%। 50% का मतलब होता है 2/4 या फिर 1/2। 50% का मतलब हाफ होता है ना रे, हो गया हाफ। अब मैं 25% को, अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, बड़े प्यार से, अब मैं क्या करूंगा, 25% को भी आधा कर दूंगा, तो ये बनेगा 12.5%, यानी कि 1/4 का भी आधा हो जाएगा 1/8। अब आप इस 12.5 को भी आधा कर दोगे, हाफ, तो आपके पास आएगा 6.25, और 6.25 का मतलब हो जाएगा 1/16। समझ में आई आपको ये बात? ये बात बताओ, सबको समझ में आई? अगर आप इसकी मल्टीप्लाई 3 में कर दोगे, तो आएगा 18.75। आप कहोगे ये हो जाएगा 3/16। ये बात सभी को याद रखनी है कि ये फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ये फ्रैक्शन डायरेक्ट याद होने चाहिए आपको, विद प्रैक्टिस और विद टाइम जरूर याद होने चाहिए। एक ग्रुप की बात कर लेते हैं, अगला ग्रुप है हमारा 11.11%। इसका मतलब होता है 1/9। अगर आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे,
तो आ जाएगा 22.22%, यानी कि 2/9। अगर आप बात करते हो 33.33%, तो ये बन जाएगा 3/9। इसी को आप कहते हो 1/3। आप अगर बात करते हो 44.44 की, 44.44% की, तो ये बन जाएगा 4/9। इसी तरीके से नीचे चलते जाओगे आप। समझ में आई बात आपको? इसी का ऑपोजिट होता है, इसी का ऑपोजिट 9.09% वाला ग्रुप। इसका मतलब होता है 1/11। अब देख रहे हो 11.11 वाले में तो आ रहा है 1/9, और 9.09 वाले में आ रहा है 1/11। अगर बात करो आप मल्टीप्लाई 2 की, तो 18.18, यानी कि 2/11। अगर आप बात करोगे 27.27 की, तो ये बन जाएगा 3/11। अगर आप बात करोगे 36.37 की, तो ये बन जाएगा 4/11। ये बातें ध्यान रहनी चाहिए आपको, ये बातें ध्यान रहनी चाहिए, ये विद टाइम आपको याद हो जाएंगे। और मैं रेशियोज लिखूं आपके सामने, एक ग्रुप और मेरे को याद आ रहा है बस, बाकी फिर खत्म है। एक ग्रुप और याद आ रहा है जिसके 3 नंबर आप लोग याद रखोगे। अगर मैं कहता हूं कि 14 2/7% या फिर 14.28%, इसका मतलब क्या होगा? तो भैया इसका जो होगा मतलब वो होगा 1/7। आप इसका आधा कर दोगे, यानी कि 7 1/7% का मतलब क्या हो जाएगा? 1/14। ये बात आपको याद रखनी, ये रेशियोज आपको एज इट इज याद हो जाएंगे विद टाइम। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि हम परसेंटेज में इन्हीं रेशियोज का यूज करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी एक लिस्ट बनाकर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप भेज दूंगा, ठीक है? और जो लोग इस चीज की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं भैया, आप लोगों को भी व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है आपके वीडियो के नीचे, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, सबके लिए फ्री है। जहां तक किसी को कोई शक, कोई सवाल, कोई डाउट, बताओ बताओ जी, कोई शक, कोई डाउट तो बता सकता है। सर बहुत बढ़िया, क्वेश्चंस करें, क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले भी मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहूंगा, जो भी वॉलेंटरली आके बोलना चाहे सामने बोल सकता है। अगर बेटा जी मैं आपसे कहता हूं कि एक मोबाइल है, मोबाइल मोबाइल है, उसके पैसे 100 रुपए थे, यानी कि उसका जो प्राइस था वो 100 रुपए था। अगर मैं कहता हूं कि इसका प्राइस 20% से इंक्रीज हो गया है, तो आप क्या कहोगे कि इसके पैसे कितने बन गए हैं? जल्दी कौन बोल रहा है 20% से सर इंक्रीज एक सौ हुआ? बीस 120। यानी कि आपने किया क्या? 20% का मतलब था 20/100। तो आपने कहा मैंने इस 100 के अंदर इस 20 को ऐड कर दिया, तो फाइनल प्राइस आया 120। क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि 20% का मतलब 1/5 भी होता है? तो अगर प्राइस 100 से 120 हुई है, या फिर मैं ये कह दूं कि प्राइस 5 से 6 हुई है, ये भी तो कोई गलत नहीं होगी बात कहनी, बताओ जी। अगर इसमें किसी को डाउट आया तो मुझे यहीं पे रोक दे कि 5 से 6 कैसे हुआ, ये आपको समझ में ना आया हो तो। आसान सी बात है, बहुत प्यारी सी बात। इसी तरीके से अगर कोई आपसे कहता है कि भैया 25% से, 25% से डिक्रीज हो गई है पैसे, डिक्रीज यानी कि 1/4 से डिक्रीज हो गया है, यानी कि पहले वैल्यू 4 थी और अब वैल्यू बन गई है -1, यानी कि 3। या फिर आप ये कह सकते थे कि 25% से अगर किसी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो 25% का मतलब होता है 25/100, तो वैल्यू भैया 100 से -25, यानी कि 75 घट के हो गई है। चाहे मैं इसे 4:3 कहूं, चाहे 100:75 कहूं, ये बात सभी को समझ में आनी चाहिए एज इट इज, ठीक है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये रहा पहला सवाल, इसके ऑप्शंस पे मत जाना, ऑप्शंस गलत हैं इसके। प्लीज डू नॉट गो फॉर दी ऑप्शंस, फाइंड आउट योर ओन आंसर, ऑप्शन गलत है इसके। हा, पढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन
4/5 ऑफ 80 एंड 4/5% ऑफ 650। अब आप कहोगे मास्टर जी अगर 4/5 ऑफ 80 निकालना हो, 4/5 ऑफ 80, तो आप कहोगे 5 और 80 को काट देंगे आएगा 16, 16 चौके 64। अगर आप 4/5% 4/5% निकालते हो 650 में, तो आप कहोगे ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 10, या फिर आप कहोगे ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। यानी कि अल्टीमेटली बैठ रहा है हमारे पास 26/5 466 आंसर है क्या इसका? कितना? 466 नहीं, इतना बड़ा आंसर कैसे आ सकता है? देखो 4/5% निकालना 650 का, 13 दूनी 26, 26/5 यानी कि ये या आ जाएगा हमारा 5.2। उसने कहा इस 64 और 54 का डिफरेंस निकालना है, 64 और 5.2 का डिफरेंस निकालना है, तो ये डिफरेंस आ जाएगा, पहले 64 और 5 का डिफरेंस निकालो आएगा 59, और 58.8 आंसर है। समझो इस बात को, अगर 4/5% दिया था बेटा जी, तो आप इसकी मल्टीप्लाई 100 से नहीं करोगे। नहीं जी, उसने कहा था 4/5%, इसके नीचे एक मानो, 5 की मल्टीप्लाई 100 से, 4 की मल्टीप्लाई 1 से, तो ये हो जाएगा 4/5। कई लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, वो तरीका गलत है, ऐसे नहीं होगा। क्लियर हुआ 58.8 कैसे आया? ठीक है, बहुत बढ़िया शौर्य। कौन कह रहा है क्या इंक चेंज क्या कर दो? सर इंक चेंज कर दो प्लीज, रोमियो डेल्टा। कौन है ये रोमियो डेल्टा? कौन है ये रोमियो डेल्टा? इंक चेंज कर दे। नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जो हमारी मर्जी होगी हम उस इंक से लिखेंगे, जो मर्जी हो। इसका आंसर बताओ 0.09% ऑफ 25% ऑफ 1200। बताओ रे आंसर फटाफट, 0.09% ऑफ 25% ऑफ 1200। आप कहोगे ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो है, कैंसिल हो गए। 25 से 100 कैंसिल हुआ 4 पे, 4 से 12 कैंसिल हुआ 3 पे, 0.09 की मल्टीप्लाई 3 से कर दी है, तो आंसर आ जाएगा 0.27। तू जाने मन है जाने जेकर है, तेरे लिए जान भी हाजिर है। ये देखो, ये देखो। अच्छा यहां पे ये ना स्मॉल ए और कैपिटल ए में भी फर्क मत मानना प्लीज, ये सारे कैपिटल ए ही है, अपने कैपिटल ए। उसने कहा ए परसेंट ऑफ ए, बड़े ध्यान समझना इस बात को। सवाल में कहा ए परसेंट ऑफ ए प्लस बी परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 2% ऑफ ए बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ 2A इज 3B। समझना बड़े ध्यान से, उसने कहा ए परसेंट ऑफ ए प्लस बी परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 2% ऑफ ए बी, ये बोला उसने। अब यहां से हमें क्या पता चला? अच्छा ये प्लस था माइनस था, प्लस ये 100 से 100 कट रहा है जी। आप कहोगे यहां बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2ab इक्वल्स टू 0, यानी कि आप कहोगे ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है जो कि 0 के इक्वल आ रहा है, यानी कि a विल बी इक्वल टू b, a b के इक्वल होगा। जब a b के इक्वल होगा आपसे ये पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 2a इज 3b, यानी कि व्हाट परसेंट ऑफ 2a इज 3b, मैं व्हाट परसेंट को क्वेश्चन मार्क मान लेता हूं। उसने कहा व्हाट परसेंट ऑफ 2a इज 3b। आप कहोगे 2 से 100 कटा आया 50, तो ए और बी आपस में इक्वल थे, ए से बी कैंसिल हो गया और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 50 × 3 यानी कि 150 परसेंट। सभी को ये बात समझ में आनी चाहिए जी। किसी को कोई शक सवाल इस सवाल में, तो आसान सी बात थी, बताओ इसका आंसर, बताओ इसके ऑप्शंस सही है, बिल्कुल ऑप्शंस बिल्कुल परफेक्ट है इसके, बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाय क्वेश्चन को पढ़ना सीख लो रे, क्वेश्चन को पढ़ना सीख लो मेरे दोस्तों। 5000% आ रहा सर। 5000, 5000 सही कह रहा है। उसने कहा 0. ये क्या हुआ, मिनट रुकना जरा। पेन काम नहीं कर रहा है, 1 मिनट रुकना, गद्दारी करवे, कोई बात नहीं। उसने कहा बताओ 0.45। अच्छा इसकी ये गड़बड़ है भाई, मैं समझ गया समझ गया, मैं क्या गड़बड़ है सर। उसने कहा 0.45 रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट का मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू व्हाट परसेंट, यानी कि क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 0.009। ये पूछा उसने इस क्वेश्चन मार्क का मतलब। आप कहोगे 2 जीरो यहां पे कैंसिल हुए तो 2 जीरो यहां पे कैंसिल हो जाएंगे, ये 0.9 बन जाएगा सर, 0.9 0.9। अच्छा एक बार और 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस पॉइंट को भी उड़ा दूंगा, यहां पे 1000 बन जाएगा। अब आप कहोगे इस 9 से ये 45 कट रहा है 5 से, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब आ जाएगा 5 × 1000, 5 × 1000 यानी कि क्वेश्चन मार्क का मतलब आ गया 50000%, 5000%, सॉरी। बताओ किसको कोई डाउट इसमें, कोई शक सवाल। उसने कहा 0.45 रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट का मतलब है इक्वल टू, रिप्रेजेंट व्हाट परसेंटेज ऑफ 0.009, हमने निकाल दिया 5000%। बताओ रे आंसर, बताओ सॉल्व करके। ऑफलाइन वाले सिर्फ क्वेश्चन का आंसर चैट में बताएं, सामने आके तब तक ना बोलें जब तक कोई डाउट नहीं। देखो उसने कहा टू नंबर्स आर 15% एंड 20% लेस देन द थर्ड नंबर, यानी कि 3 नंबरों की बात चल रही है, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। उसने कहा पहला नंबर तीसरे नंबर से 15% कम है, यानी कि तीसरे नंबर को मैं 100 ही मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा 85। दूसरा नंबर 20% कम है, यानी कि हो जाएगा 80। उसने कहा फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। अब इस चीज को आप इस तरह से समझना, इस तरह से समझना, उसने कहा फर्स्ट नंबर, अच्छा पहले से ब्रेक कर लेते हैं ना 85 80 100 को 5 के टेबल से, यानी कि ये 17 हो जाएगा,
ये 16 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा सर। 20। अच्छा 16 16 ठीक है, 85 80 है। हाँ, अब उसने ये कहा कि बताओ 17 इस 16 का कितने परसेंट है, यानी कि 17 रिप्रेजेंट व्हाट परसेंटेज ऑफ 16। उसने ये पूछा आपसे, ये पूछा आपसे उसने, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या आ जाएगा, 17/16 × 100। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आएगा 106.25%। एक तरीका तो हुआ ये, जो बहुत ही ज्यादा बुकिश है, किताबी तरीका जिसको बोलते, किताबी तरीका। अगर हम इसको करेंगे तो किस तरह से करेंगे, बड़े ध्यान से समझना। उसने ये पूछा कि 17, ध्यान समझना मैं कैसे कैसे लिख रहा हूं, कैसे कैसे बोल रहा हूं, 17 16 का कितने परसेंट है। आप कहोगे 17/16 की वैल्यू पूछ रहा है, हमें यह पता है कि 17/16 को हम लिख सकते हैं 1+1/16, 1+1/16। अब इस 1 का मतलब क्या होता है, 100%, बताया था मैंने आपको, 1 का मतलब होता है 100%, और 1/16 का मतलब मैंने आपको बताया था, याद करो 25% वाले टेबल से, 6.25%। जब मैंने 12.5 का आधा किया था, 1/8 का आधा 1/16, तो 100% + 6.25% यानी कि 106.25%। अब जैसे भी आप लोगों को समझ में आए आप समझ सकते हैं, लेकिन अगर वाकई में आपको परसेंटेज को एंजॉय करना है, पढ़ते हुए मजा आना चाहिए, तो आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी। उसने कहा 17 इस 16 का कितने परसेंट है, तो हम कहेंगे 1+1/16 यानी कि 100+6.25% यानी कि 106.25%। ये चीज सीख लो आप लोग सभी। बुकिश में नीचे लिखा हुआ है रेड कलर से कि 17 इज एक्स परसेंट ऑफ 16, वो नहीं करना हमको, हमको तो ये सीखना है कि 17 इस 16 का कितना परसेंट है। समझ में आया, समझ में आया। अच्छा, अब थोड़ा सा दिमाग लगेगा जी सबका, यहाँ पे अपने दिमाग के चक्षु खोल के रखें। मैं अगर ये कहता हूं कि बताओ फर्स्ट नंबर सेकंड वाले से कितना ज्यादा है, आप कहोगे 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है कितने से, 16 से। अगर मैं कहता हूं कि फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट मोर देन सेकंड नंबर, तो आप कहोगे 1/16 यानी कि 6.25%। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि दूसरे वाला नंबर पहले वाले से कितना कम है, आप कहोगे 1 कम है, लेकिन कितने से, 17 से। तो यह आंसर हो जाएगा 1/17 × 100, जो भी आंसर आएगा आप निकाल सकते हो, परसेंट रेशियो चेंज हो जाते हैं। ये बात समझनी पड़ेगी आपको। अगर मैंने पूछा पहले वाला कितना बड़ा है दूसरे वाले से, तो आप कहोगे पहले वाला, दूसरे वाला 17 है, पहले वाला, दूसरे वाला 16 है, पहले वाला 17 है, तो वो 1 ज्यादा है कितने से, 16 से। तो भैया कितना ज्यादा है, 6.25% ज्यादा है। दूसरे वाला पहले वाले से कम कितना है, 1 कम है, कितने पे, 17 पे। ये बात सीखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये आगे सवालों में आएगी। करते हैं अगला सवाल, बहुत मजा आएगा भाई परसेंटेज में। मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जी आपकी अर्थमेटिक के, मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। बोलता है टू नंबर्स आर 50% एंड 75% लेस देन द थर्ड नंबर। दो नंबर है जो 50% और 75% कम है तीसरे नंबर से, यानी कि पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। अगर तीसरा नंबर 100 है, तो उसने कहा पहला नंबर 50 है और दूसरा नंबर 25 है, या फिर आप कह सकते हो इनका रेशियो आ जाएगा 2:1 और 4। बाई हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर टू बी इंक्रीज टू गेट द फर्स्ट नंबर। उसने ये कहा
कि सेकंड वाले नंबर को कितना इंक्रीज करें, इस एक को कितना इंक्रीज करें कि पहला नंबर बन जाए। आप कहोगे कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, प्लस वन इंक्रीज करना पड़ेगा, कितने में, वन में, यानी कि आप कहोगे 1/1 इंटू 100, यानी कि पूरा 100% इंक्रीज करना पड़ेगा। बहुत ही प्रैक्टिकल सा सवाल था। इस 1/1 × 100 को आप छोड़ दो, अगर ये समझ में नहीं आया आपको, आपको इतना तो देख रहा है ना कि अगर एक को दो बनाना है तो उसमें एक ऐड करना पड़ेगा, यानी कि जितनी उसकी पहले वैल्यू थी, ओरिजिनल 100% वैल्यू थी, उतनी ही वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी उसमें, तब जाके दूसरा नंबर बनेगा। यानी कि पूरा 100% इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, दुगना करना पड़ेगा उसको, दुगना। किसी को कोई डाउट हो ना बीच में रोक देना मेरे को, मतलब सवाल बताने के बाद, बीच में तो नहीं, सवाल करने के बाद सबसे पूछता हूं, मेरे कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। और 2 दिन की छुट्टी है ऑफलाइन वालों, प्लीज अपने अर्थमेटिक के नोट्स आज तक अप टू डेट रखना, आज तक के नोट्स। यूट्यूब से रिकॉर्डिंग देखो, कुछ भी करो, कहीं से भी, चाहे पीडीएफ को ऐसी पढ़ के बना लो, बेस्ट है। प्रैक्टिस करनी है, यूट्यूब की रिकॉर्डिंग खोलो, 1.5x पे लगा दो उसको, और प्रैक्टिस करते हुए निकल, जो बेस्ट है तरीका, बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस करने का, बेस्ट। जहां तुम मेरे लेक्चर्स के नोट्स रिवाइज करने में 2 घंटे लगाओगे ना, अगर लेक्चर को वीडियो खोलोगे और 1.5x पे लगा दोगे तो 45 मिनट में प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, बहुत मजा आता है, पूरा फायदा उठा यार इस चीज का। चलो नेक्स्ट। इफ फर्स्ट नंबर इज 8.33% लेस देन द थर्ड नंबर एंड रेशियो ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर इज 15:16, देन फाइंड फर्स्ट नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस देन द सेकेंड नंबर। उसने कहा इफ फर्स्ट नंबर इज 8.33% लेस देन द थर्ड नंबर, और दूसरे तीसरे नंबर का रेशियो 15:16 दिया हुआ, तो बताओ पहले वाला दूसरे वाले से कितना कम है। अच्छा, 8.33% का मतलब आपको निकालना पड़ेगा। 8.33% का मतलब होता है 8+1/3, या फिर 8+0.33, है ना। तो आप कहोगे ये बन जाएगा 3 8 24 + 1 25/3, 25/3% यानी कि आप कहोगे ये 4 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/12। आप ऐसे एग्जाम में निकाल भी सकते हो डायरेक्ट कि 8.33% का मतलब आएगा 1/12। उसने कहा फर्स्ट नंबर इज 8.33% लेस देन दी थर्ड नंबर, यानी कि अगर मैं फर्स्ट, अब देखना, बड़े ध्यान से समझना इस चीज को, ये उलझ सकती है तुम्हारे दिमाग में, फर्स्ट और थर्ड नंबर की बात करूं, उसने कहा पहले वाला इससे 1/12 कम है, यानी कि अगर ये 12 है तो ये इससे एक कम है, ये 11 है, समझे इस बात को, ये बात को समझना पड़ेगा, ये बात को समझना पड़ेगा आपको, बताओ। किसी को कोई डाउट हो इस 11 और 12 में तो मुझे बता दे, वरना मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है। सेकंड नंबर भी होगा कहीं पे यहां पे। उसने कहा सेकंड और थर्ड नंबर का रेशियो कितना है, 15:16। अब तीसरा जो नंबर है, एक तरफ 12 है एक तरफ 16 है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं हो सकता, इसको तो सेम होना पड़ेगा। तो 12 और 16 का एलसीएम आता है 48, यानी कि यहां तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से, और यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड का रेशियो क्या आ जाएगा, 44। रेशियो 15 * 3 = 45, रेशियो 12 * 4 = 48, या फिर 16 * 3 = 48, ये आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड का रेशियो। उसने कहा फाइंड, अच्छा फर्स्ट नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस देन द सेकंड नंबर। आपसे मैं दोबारा से पूछता हूं, पहले वाला नंबर दूसरे वाले से कितना कम है, आप कहोगे एक कम है, एक कम है मान लिया, लेकिन कितने से एक कम है, 45 से, एक कम है कितने से, 45 से, तभी तो 44 बन रहा है, तो आंसर आएगा 1/45। परसेंटेज निकालनी है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 2.2।
2%। समझे बछुआ? किसी को कोई डाउट है उसमें तो बताए। आई नो चीजें डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है परसेंटेज में, लेकिन इतनी स्लो पढ़ा रहा हूं ना कि ये चीजें समझ में आनी चाहिए आपको। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं इसको करने की, एकदम स्लो पढ़ रहे सर ये वाला एक बार और बताना, 11-12 वाला। हाँ हैं। देख बताओ 11-12 वाला देख। जी सर, मतलब शुरू से बता दो एक बार, थोड़ा कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है ठीक है। देखो भैया दोबारा से पूछते हैं, सवाल में क्या बोला उसने? कहा 3 नंबर थे, उसने कहा 3 नंबर थे। जो पहला नंबर था वो 8.33% कम था तीसरे नंबर से। पहला नंबर तीसरे नंबर से 8.33% कम था। नंबर अगर मैं कहता कि ये 8.33 ना हो के यहाँ पे 20% होता, अगर ये 20% होता कि भैया पहला नंबर तीसरे नंबर से 20% कम है, तुम कहते 20% का मतलब हो जाएगा 20/100, यानी कि अगर तीसरा नंबर 100 हो जाता, तीसरा नंबर अगर 100 हो जाएगा तो पहला नंबर 80 हो जाएगा, ये कहते। या फिर तुम ये कह सकते थे तीसरा नंबर अगर 5 होता है तो ये 4 हो जाता। सिंपल सी बात है, 20% का मतलब होता है बेटा 1/5, यानी कि अगर तीसरा नंबर 5 है तो पहले वाला -1 हो गया, जब भी तो 4 आया। उसी तरीके से हमें ये पता चला कि 8.33% का मतलब 1/12 है, यानी कि अगर तीसरा नंबर 12 है तो पहला नंबर 12 में से 1 माइनस हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब तीसरा नंबर एक तरफ 12 है एक तरफ 16 है, 12 16 को सेम बनाने के लिए 48 बनाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया। अब बताओ, अब बताओ। हाँ सर एक चीज डाउट था, लाइक बताओ। 33% इंटू 3 तो सर 99% होगा, फिर सर ये 1/3 कैसे हो जा रहा है 33%? 33 नहीं है भाई, वो 0.33% है। ये सर तो वो अगर इंटू 3 करेंगे तो 0.99 होगा ना? मतलब नहीं मतलब इसको 0.33 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना? भाई सुनो 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 मेरी बात सुनो, आ जाओ यहां पे मतलब फर्स्ट बाई पेज पे। हंड्रेड करके उसको तो। समझ गया मैं, समझ गया समझ गया। सुनो मेरी बात, सुनो सुनो मेरी बात, फर्स्ट पेज पे आ जाओ, एक बात समझो। मैंने आपको बताया था कि 25% कितना होता है? सर 1/4 1/4। अगर आप 25 को 3 से डिवाइड लगाओगे, अपने फोन में करके देखो 25 को 3 से डिवाइड कितना आ रहा है, जल्दी से। एट पॉइंट थ्री थ्री आ सर रहा है एट ना? पॉइंट थ्री थ्री हाँ, जब राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड को 3 से डिवाइड किया है तो राइट हैंड साइड को भी तो 3 से डिवाइड करेंगे, इसलिए 8.33 का मतलब होता है 1/12। ये याद हो जाएंगे डायरेक्ट आपको विद ओके प्रैक्टिस, ठीक है, याद हो जाएंगे। ठीक है जी, चलते हैं अगले सवाल पे। यस सर यस सर। एक मिनट नेक्स्ट। परसेंटेज बहुत इंटरेस्टिंग है यार, बहुत मजा आता है पढ़ने में। ये देखो सवाल कितना अच्छा है। अभी तो जनरल क्वेश्चंस चल रहे हैं सिर्फ, बहुत जनरल जनरल सवाल, कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं पढ़ाई हुई मैंने, आगे पढ़ाऊंगा। देखो व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20, किसी नंबर को अगर 20 से इंक्रीज किया, ये परसेंटेज बाय परसेंटेज नहीं है, ये 20 नंबर है, इट बिकम्स 116% ऑफ इटसेल्फ, देन व्हाट इज द नंबर? इश्क ऐसा उसने कहा, एक नंबर को
अगर मैं 116 बना देता हूं, यानी कि अगर मेरा नंबर था 100 और वो बन गया है अब 116, तो फर्क कितने का आ गया है? 20 का। फर्क कितने का आ गया है? 20 का। ये तो मतलब हुआ इसका, यानी कि इसका कहने का मतलब था कि महाराज अगर ये 16% से इंक्रीज हो गया है ना, ये इस वजह से हुआ है क्योंकि इसमें 20 इंक्रीज हुआ था। 16% का मतलब आ गया 20, 4% का मतलब आ जाएगा 5, तो पूरे 100% का मतलब क्या आ जाएगा? 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 125। अंडरस्टूड, नाइस। चलिए जी, नेक्स्ट करते हैं। अगला सवाल, इफ 60% ऑफ पी इज इक्वल टू 40% ऑफ क्यू, देन पी इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ क्यू, फाइंड एक्स। क्या बात है, क्या बात है, बैगन आए बैगन। देखो, इफ 60% ऑफ पी, उसने कहा 60% ऑफ पी इज इक्वल टू 40% ऑफ क्यू, 60% ऑफ पी इज इक्वल टू 40% ऑफ क्यू। आप कहोगे ऑफ से ऑफ कैंसिल हो गया, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये हुआ 3, ये हुआ 2। आप कहोगे पी अपॉन क्यू कितना आ गया? 2/3। उसने कहा पी इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ क्यू, फाइंड एक्स। पी इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ क्यू। अरे देखो, इस क्यू को ना, इस क्यू को शफल करके 2/3 के पास ही ले जाओ वापस। अब भाई इस चीज को याद रखो, फीलिंग देखो, सवाल में क्या कहना चाह रहा है। सवाल में यह कहना चाह रहा है कि बताओ P इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ क्यू, तो वॉट इज x? मैंने आपको बताया था कि 33.33% तो आ रहा है भैया 1/3, या कि 3/9, 66.66% क्या आ जाएगा? 2/3, और 99.99% कितना आ जाएगा? 3/3। इसलिए इसको एक बोलते हैं, अप्रोक्सीमेटली 100% ही होता है ये। जब वो कह रहा है कि P इज इक्वल टू 66.66% ऑफ Q, तो आंसर क्या आएगा? यही तो X है और यही तो है 66.66%। बी ऑप्शन। अब कोई में से ये नहीं कह दिया आपने ऑफ को ऑफ से कैसे काट दिया। अब ये स्टाइल है भाई, ये स्टाइल है। 60% ऑफ P इज इक्वल टू 40% ऑफ क्यू। देखो अभी यही आंसर आने वाला है। छियासठ पॉइंट छह छह परसेंट, समझे इस बात को। नेक्स्ट, इफ अ नंबर एक्स इज इंक्रीज बाय 16.66% एंड वी गेट वाई, then y is increased by 11.11%, then we get z. If z is increased by 12.5%, the final result is 210. find the value of x. amazing question है, अगर एक मिनट के लिए भी किसी का ध्यान इधर से उधर हुआ तो उसको समझ नहीं आएगा। शर्त है ये हमारी, समझ नहीं आएगा एक मिनट के लिए भी ध्यान आपका इधर से उधर हुआ। और अगर आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरा एक्सप्लेनेशन देख लिया तो आपको ये समझ में आता चला जाएगा। बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। उसने कहा एक नंबर था x, एक नंबर है y, एक नंबर है y, एक नंबर है z, एक नंबर है z और एक है फाइनल नंबर। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ 16.66% का मतलब क्या होता है? 8.33 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 1/6, सिंपल सी बात है।
आप कहोगे 11.11% मैंने आपको बताया 1/9 होता है, 1/9। 12.5% का मतलब आपको पता है 1/8 होता है। उसने बोला एक नंबर था एक्स जिसको इंक्रीज किया 1/6 से, यानी कि पहले अगर ये 6 था तो अब इसमें एक जोड़ दिया है, इसको 7 बना दिया है और हमारे पास आ गया वाई, एंड वी गेट वाई। देन वाई इज इंक्रीज बाय 11.11%, यानी कि वाई को 1/9 से इंक्रीज किया, यानी कि अगर ये पहले 9 था तो अब इसमें एक इंक्रीज हो गया, अब ये 10 बन गया है और मिला क्या हमको जेड। उसने कहा जेड को इंक्रीज किया 1/8 से, यानी कि अगर जेड पहले 8 था तो अब जेड में एक प्लस हो गया, बन गया 9। और उसने कहा फाइनल रिजल्ट बन के आया 210, यानी कि इस 9 का मतलब ही 210 दिया हुआ है, इस 9 का मतलब ही 210 दिया हुआ है। जब 9 का मतलब 110 है तो आप कहोगे 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 210/9। जब 1 का मतलब है 210/9 तो इस 8 का मतलब क्या हो जाएगा, 8 का मतलब 210/9 × 8। अच्छा ये वैल्यू जो आ रही है ये इस जेड की ही तो वैल्यू है, ध्यान से समझना इस चीज को, बिल्कुल भी ध्यान नहीं बटना चाहिए, ये इस जेड की तो वैल्यू है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यही वैल्यू इस 10 की भी है, यानी कि दिस 10 इज इक्वल टू 210 × 8/9। जब 10 की वैल्यू 208 210 × 8/9 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 21 × 8/9, 1 की वैल्यू ये हो जाएगी, तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 × 21 × 8/9, 9 से 9 कैंसिल हुआ, यानी कि वैल्यू क्या आई वाई की, 21 × 8। अब ये 21 × 8 किसके इक्वल होगा, इस वाले वाई के, यानी कि 7 के। जब 7 का मतलब है 21 × 8 तो आप कहोगे 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 8 × 3 यानी कि 24। जब 1 का मतलब 24 है तो 6 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 × 24 यानी कि 144। उसने यही पूछा था कि x क्या है या फिर इनिशियल वैल्यू क्या है, 144। चेन रिएक्शन बोलते हैं इसको, चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्टर चेन रिएक्शन पे काम करता है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन पे, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। बताओ जी, किसी को समझ में ना आया हो तो बताए दोबारा, सर एक बार 10 से समझा दो मेरे को। टेन से समझा दो। मतलब सर 10 की वैल्यू थी 210 × 8/9, ठीक हाँ तो है, एक ट्रायंगल जीरो वन से की जीरो कट वैल्यू। गया, हाँ एक की वैल्यू आ गई 21 × 8/9। जब एक की वैल्यू 21 × 8/9 है तो 9 की वैल्यू हो जाएगी 9 × 21 × 8/9, समझा। जब एक की वैल्यू 21 × 8/9 है तो 9 की वैल्यू 9 × 21 × 8/9 नहीं हो जाएगी, मल्टीप्लाई तो करनी है सिर्फ। और यही वैल्यू जो थी 21 × 8 जो बची है यही दूसरे वाले वाई की होगी, क्योंकि वाई तो सेम है, तो 7 की वैल्यू हो जाएगी 21 × 8, यानी कि 1 की वैल्यू हो जाएगी 8 × 3 = 24। जब 1 की वैल्यू 24 है तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 6 × 24 = 144। बढ़िया क्वेश्चन था ये, और ये एक हाँ छोटा सा और डाउट था, जैसे ये बता। 7 से 21 काट रखा आपने, ऐसे कट सकता है? हाँ क्यों नहीं कर सकता, अबे मैंने नीचे लिख दिया क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, अच्छा इसको मैं अच्छा सामने लिखता तो तेरे को ज्यादा समझ में आता कि भैया 7 का मतलब 21 × 8 है, तो 1 का मतलब हो जाएगा 3 × 8। ये सामने लिखता तो ज्यादा अच्छा लगता, तो नीचे लिख हाँ दिया सर, मैंने, थोड़ी सी कंफ्यूजन सी हो रही है उस चीज में। सामने ठीक है सर, सामने लिखते तो ये थोड़ा अच्छा लगता, हमको आदत सामने लिखने की है ना, जगह ओके सर। नहीं बचती। वो सवाल भी आज ही कराओगे ना सर, चिन्नी वाला? ठीक चिन्नी वाला भी करवा देंगे, देखते हैं। ठीक है चलो, ये देखो अभी तो जनरल क्वेश्चन ही करने हैं भाई, 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जनरल जो परसेंटेज में आपका दिमाग खोलने के लिए,
यहाँ भी परसेंटेज है, ये समझना है इसमें। इफ अ न्यूमिरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20% एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 10%, न्यूमिरेटर को इंक्रीज किया है 20% से और डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया है 10% से, देन फ्रैक्शन बिकम 3/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन? अच्छा, इसमें सबसे बेस्ट रहेगा आप फ्रैक्शन को 100x/100y मान लो। उसने कहा कि जब न्यूमरेटर को 20% से इंक्रीज किया तो ये बन गया 120x, डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया 10% से तो ये बन गया 90y। जब ऐसा हुआ तो फ्रैक्शन 3/2 बन गया। वाह भाई वाह, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 12 यानी कि 4 ऊपर आया 3 नीचे आया, तो x अपॉन वाई कितना हो गया? 9/8। उसने यही पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन, 9/8। अब कोई मेरे से ये ना कह दे प्लीज, अब कोई मेरे से ये ना कह दे कि मास्टर जी ओरिजिनल फ्रैक्शन तो 100x/100y था, तो ये तो 900/800 होना चाहिए। अबे कट जाएंगे ये 2 जीरो, जो ऑप्शन है उसी के हिसाब से चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फ्रैक्शन इज रिड्यूस्ड इन सच अ वे, एक फ्रैक्शन को ऐसे रिड्यूस किया, इस तरीके से रिड्यूस किया, इन सच अ वे दैट व्हेन इट इज स्क्वायर्ड देन इट्स न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 25% एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड टू 80%। अच्छा, रिड्यूस्ड टू है, रिड्यूस टू और रिड्यूस बाय में बच्चों को दिक्कत होती है, समझे? दिक्कत क्या होती है उनको, मैं आपको बताता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं। अगर मैं कहता हूं कि एक वैल्यू है 100, अगर मैं बोलू रिड्यूस्ड बाय 20%, यानी कि 20% की कटौती कर दी गई है, अब ये कितना बन जाएगा? 80। अगर मैं आपसे कहता हूं कि रिड्यूस्ड टू 20%, यानी कि घटा के 20 कर दिया है इसको, अब ये हो जाएगा 20%, समझे? तो टू और बाय में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, समझे इस बात को? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। इरेज कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चन करना है। हाँ, क्या बोला? अ फ्रैक्शन इज रिड्यूस्ड इन सच अ वे दैट व्हेन इट इज स्क्वायर्ड देन इट्स न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 25% एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस टू 80%, इट्स रिजल्ट इज 5/8 ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज। देखो, अब सिंपल सी बात है, मेरे को 25% और 80% से एक चीज को इंक्रीज करना है और वो स्क्वायर होनी चाहिए, तो मैं ओरिजिनल फ्रैक्शन को ना 10x और 10y मान लेता हूं फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस। अब इसने कहा कि इसका स्क्वायर कर दिया तो ये बन जाएगा 100x/100y2। जब इसका स्क्वायर किया तो न्यूमरेटर 25% से इंक्रीज हो गया, यानी कि न्यूमरेटर बन गया 125x2 और डिनोमिनेटर 80% पे रिड्यूस हो गया, यानी कि डिनोमिनेटर बन जाएगा 80y2। और जब ऐसा हुआ तो दिस बिकम इक्वल टू 5/8 ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन, यानी कि आप कहोगे एक एक्स से एक एक्स कटा, एक वाई से एक वाई कटा, 5 से कटा 125 तो आया 25, 8 से कटा 80 तो आया 10, तो एक्स अपॉन वाई आ जाता है हमारा 10/25 या फिर 2/5। उसने कहा न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट बताओ, यानी कि 2 और 5 का प्रोडक्ट बताना था 10। ऑप्शन ए। और बताओ, दस आंसर आएगा, श्योर? ये बहुत बढ़िया, नाइस। किसी को कोई डाउट, कोई शक, सवाल इसमें तो पूछ ले हमसे, ठीक है? ये बताओ, डिफरेंस ऑफ दो नंबर इज 1660। बस एक ये और इससे अगला क्वेश्चन और, यानी कि दो क्वेश्चन और करेंगे
और फिर अगली क्लास में देखेंगे बाकी का सौदा, एक स्पेशल टाइप है अगली क्लास में, वो पूरी क्लास उसी टाइप की होगी, पूरी क्लास उसी सेम टाइप की, मैं उसको इसमें मिक्स नहीं करना चाहता। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1660, दो नंबर का डिफरेंस कितना है 1660। इफ 7.5% ऑफ फर्स्ट नंबर इज 12.5% ऑफ अदर नंबर, अच्छा इट्स नहीं है ये इज है, इट्स नहीं है ये इज है, और ये फर्स्ट है, देन फाइंड द टू नंबर्स, सिंपल सी बात है यार, बड़ा आसान क्वेश्चन है। उसने कहा कि 7.5% ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 12.5% ऑफ सेकेंड नंबर, यानी कि आपको के ऑफ से ऑफ कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 75 से 125 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3 और 5, तो फर्स्ट नंबर अपॉन सेकेंड नंबर क्या आ गया 5/3। उसने कहा इनका डिफरेंस 1660 है, इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है बे, 5 माइनस 3 2, जब 2 का मतलब दिया हुआ है 1660, तो 1 का मतलब हो जाएगा 830। आपसे पूछा था कि दोनों नंबर का मतलब बताओ, यानी कि 5 का मतलब क्या हो जाएगा 830 × 5, यानी कि 40 और 15, यानी कि 40 और 15 4 1 5 0। 3 का मतलब हो जाएगा 8 3 24 और 9, 24 9 24 का लगभग सर 4150 और 2490 है आपके दो नंबर। अब ये रेशियो का सवाल मान लो तुम, चाहे परसेंटेज का मान लो, ये दोनों में काउंट हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है भाई, रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज रीढ़ की हड्डी है अर्थमेटिक की, बैकबोन। अच्छा बैकबोन कौन से सिस्टम में आती है, नर्वस सिस्टम में, ह्यूमन यस सर बॉडी की सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट सेल, सर मेल की फीमेल की मेल की, अबे किसी की भी, नर्व नो सेल ही तो होती है। हाँ सर नर्व, सर अच्छा फीमेल में एग, होगा ना लॉन्गेस्ट नर्व सेल नर्व सेल ही लार्जेस्ट होती ओवम है, लॉन्गेस्ट की बात चल रही है, लार्जेस्ट की नहीं लॉन्गेस्ट की बात, इलॉन्गेटेड बोलते हैं जिसको, ठीक है। ओके सर और नर्व सेल में मैसेजेस को सप्लाई कौन करता साइनेप्स है, एक्सन भी उसी का पार्ट होता है नर्व सेल का। यस सर पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया सर, ये तो पता माइटोकॉन्ड्रिया मुझे। एनिमल सेल में वैक्यूल्स होते हैं, हाँ होता है वैक्यूम लेकिन प्लांट सेल होगा में बड़े मतलब। होते हैं, है ना, और प्लांट सेल में शायद वो भी होगा सर जो एनिमल सेल में नहीं होती। चलो बहुत बढ़िया। एक पॉइंट मिल गया मुझे। सेल मेम्ब्रेन तो होती है हमारे पास, सेल वॉल नहीं होती, जी सेल वॉल नहीं होती सर, वो सिर्फ प्लांट सेल में होगा सर। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं, सेल वॉल ही है सर जो चीजों सेल मेम्ब्रेन को, को अंदर बाहर सेल मेम्ब्रेन। हाँ क्या 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 सुनील क्या भाई। अबे सिलेक्टिव वेल परमिएबल मेम्ब्रेन बदल लेना सर, सेलेक्टिव वही परमिएबल पूरा मेम्ब्रेन। डेफिनेशन क्या बताइए उसकी। मतलब जो सिलेक्टेड चीजों को अंदर आने दे सेल के अंदर, हर चीज ठीक अंदर नहीं जा ठीक सकती सर। ठीक है एक तरीके से एंटीवायरस का काम भी करती है कभी कभी सेल मेम्ब्रेन, सेल पे कोई वायरस अगर अटैक करने वाला है तो बहुत हद तक रोकती है उसको अंदर आने से, फॉरेन पार्टिकल्स को। यस सर। ये बताओ अ नंबर इज इंक्रीज, लास्ट क्वेश्चन है आज का, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 28.56% टू गेट बैक ओरिजिनल नंबर, इट रिड्यूस टू इनिशियल वैल्यू बाय व्हाट परसेंट, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 28.56% फुल स्टॉप, टू गेट बैक ओरिजिनल नंबर इट रिड्यूस टू इनिशियल वैल्यू बाय व्हाट परसेंट। अच्छा 28.56% का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि 14.28, 2/7 हाँ 14.28% का मतलब था 1/7, तो 28.56% का मतलब हो जाएगा 2/7,
उसने कहा एक नंबर को 2/7 से इंक्रीज कर दिया गया, यानी कि आप कहोगे पहले वो 7 था, अब उसमें 2 इंक्रीज कर दिया, अब उसको 9 बना दिया। तो बताओ उसको दोबारा 7 बनाने के लिए कितने परसेंट से रिड्यूस करना पड़ेगा? आपने कहा कि 2 ही घटाने पड़ेंगे, लेकिन किस में से घटाने पड़ेंगे? इस 9 में से घटाने पड़ेंगे। तो फ्रैक्शन आएगा 2/9 का, 2/9 का मतलब हो जाएगा 22.22%, क्योंकि 1/9 का मतलब था 11.11%, और 9.09% का मतलब था 1/11, 18.18% का मतलब था 2/11, 27.27% का मतलब था 3/11। ऐसे याद रखो इन दोनों वाले ग्रुप्स को, 1/9 और 1/11 वाले को। समझ में आई ये बात? बताओ जी, किसी को कोई डाउट उसमें तो बताएंगे। नो सर। आलो क्लियर है भाई? साधना क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। ऑल राइट रितेश जी, ठीक यस सर जी। है चलो एक सवाल दिखा रहा हूं, और ये टाइप हम लोग कल नहीं परसों 1 तारीख से करेंगे। कल छुट्टी है, ठीक है, संडे भी है और 31 भी है। हाँ कल की छुट्टी है सर। कल छुट्टी है, कल मौज करूंगी, है ना? ओके सर, सबके अकाउंट में 500-500 गूगल पे कर दो सर, पार्टी कर लेंगे आपकी तरफ से। 50-50 कितने? कर दो, कितने? 5-5 ही कर दो, एक कुरकुरे तो खा ही लेंगे। माइक मेरे स्पीकर में दिक्कत सी आ रही है, आवाज नहीं आ रही मुझे। अब वो कहाँ आवाज आ रहा है सर, हेलो। लोग खा लेंगे दोनों मिलके। नाइस, लूट ले बेटे, लूट ले। मास्टर को तो दावत नहीं दी तूने अभी नए साल की, मास्टर से लेने। हाँ परसों कोई लो आपके लिए गज्जर का लो। सर अरे मास्टर की क्या बात कर रहे हो, मास्टर को तो 1-1 किलो के लड्डू भी खिलाए गए हैं। नए साल की बात चल रही है। ना ना, अरे वही देखो, वो दावत छोड़ के थोड़ी इंतजाम थी, लगा वो दिया, तो बताओ क्या फायदा हुआ लड्डू का। वो सर आपके कहीं दे दिए थे ना, मैं कसम से मेरे तो मन कर रहा पैसे मांग लूं, मगर 300 वापसी कर मगर। ठीक है चलो, ऑल राइट, जिसको रुकना है रुक सकता है, बाकी लोग जा सकते हैं। थैंक्स फॉर कमिंग। चलो तो वेलकम टू आयु शर्मा डिफेंस। और भाई साहब बात करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की, जो कॉन्सेप्ट आज टारगेट स्टार्ट करना है, जिस चीज से परसेंटेज इसी क्लास में पूरा करेंगे, इसी क्लास में खत्म होगा। ये क्लास कितनी भी लंबी खींचे, जिसका इच्छा हो बैठने का वो बैठ सकता है भाई, जिसको जाना है वो जा सकता है, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है? लेकिन मेरी मानो तो ऑफलाइन वालों बैठ के प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हारी परसेंटेज पूरी रिवाइज हो जाएगी आज ही। और भाई ऑनलाइन वालों तुम्हारे लिए तो बेनिफिट ही है, कुछ सीखने को मिलेगा। आराम आराम से चलेंगे, भागूंगा नहीं कोर्स को लेके, प्यार से चलेंगे और सब कुछ डिटेल में समझेंगे जी, बात चल क्या रही है। नया कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है, अगर मैं कहता हूं कि कोई भी एक ऐसी चीज है जब दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा, मैं हिंदी में लिखता हूं, जब दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन हो, जब दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन हो, जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं एरिया, अगर मुझे एरिया निकालना है एक रेक्टेंगल का, तो आप कहोगे गुरुजी इसमें लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। अब लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लीकेशन हो रही है, मैं कहता हूं कि अगर अगर मुझे कोई ऐसा सिस्टम चाहिए कि भैया मैंने लेंथ को कुछ इंक्रीज कर दिया है और ब्रेथ को भी इंक्रीज कर दिया है। एक मिनट, आवाज आ रही है मेरी सबको? भाई आवाज आ रही है, मुझे माइक में कुछ गड़बड़ लगा। आ रही है सर, आ रही है जी, आवाज आ रही ठीक सर। है ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। देखो अगर मैं कहूं कि एरिया है, इसकी वैल्यू फिक्स रहनी है भाई हमेशा, इसकी वैल्यू फिक्स रहनी है, यानी कि चेंज नहीं हो सकती। और मैंने कहा मैंने लेंथ को इंक्रीज कर दिया है, इंक्रीज, तो भैया आप कहोगे जितना इफेक्ट लेंथ में इंक्रीज करने से आया, हमें उस हिसाब से ब्रेथ को डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी तो जाके इफेक्ट जीरो होगा। और ये वाइस वर्सा है, अगर मैं कहता हूं कि मैं ब्रेथ को इंक्रीज कर रहा हूं
तो आप कहोगे गुरुजी लेंथ को थोड़ा सा डिक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके बात में दम आएगा, या फिर आप तब कहोगे कि एरिया मेरा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। अब एरिया की जगह एक चीज होती है, बहुत ही फेमस एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जिसको लेके, वो होता है हमारा एक्सपेंडिचर, हमारा खर्चा। एक्सपेंडिचर ना बच्चों दो चीज पे डिपेंड करेगा, आपका प्राइस और आप कितना माल खा रहे हो। यानी कि आप ये समझो कि अगर मैं कहता हूं कि भैया चावल ना 10 रुपए किलो है, 10 रुपए एक किलो, और आप 50 किलो चावल कंज्यूम करते हो एक साल में, एक साल में आप 50 किलो चावल कंज्यूम करते हो, तो आपका एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा इस पे? 10 × 50 500, 10 × 50 यानी कि 500। अगर आपसे मैं ये कहता हूं कि प्राइस किसी एक फैक्टर से इंक्रीज हुआ है, प्राइस इंक्रीज हुआ है किसी एक फैक्टर से, या फिर मैं ये कहता हूं कि प्राइस 10 से 11 हो गया, प्राइस 10 से 11 हो गया है, तो बेटा आप ये कहोगे कि यहां पे एक इंक्रीज हुआ है, ये मैंने एग्जांपल मान लिया है, घबराना मत इसमें, मैंने एग्जांपल मान लिया है कि प्राइस सपोज करो 10% से बढ़ गया, तो प्राइस पहले 10 था अब 11 हो गया है, तो आप ये कहोगे कि मास्टर जी कंजम्पशन अगर पहले 11 थी तो कंजम्पशन को अब 10 होना पड़ेगा। कंजम्पशन अगर पहले 10 11 थी तो कंजम्पशन को अब 10 होना पड़ेगा, तभी इस 10 से 10 11 से 11 कटकर एक्सपेंडिचर आ जाएगा 1। यानी कि एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपसे बोलता है कि भैया ऐसा हुआ कि चावल के प्राइस 10% से बढ़ गए, समझना इस बात को, आपसे सवाल में ये कहे कि भैया जी चावल के प्राइस 10% से इंक्रीज हो गए, तो बताओ कंजम्पशन को कितने परसेंट से घटाना पड़ेगा कि भैया एक्सपेंडिचर सेम रहे। मैं कहूंगा अगर प्राइस 10% से इंक्रीज हुए हैं तो प्राइस 10 से 11 हो गए होंगे, तो कंजम्पशन को 11 से 10 होना पड़ेगा। तो आप कहोगे कितना घटा कंजम्पशन? एक कम हो गया भैया, लेकिन किसके बाद? इस 11 के बाद। तो आप कहोगे डिक्रीमेंट कितना आया कंजम्पशन में? 1/11, 1/11 का मतलब आपको बता रखा है मैंने 9.09%। अच्छा इस 9.09% से मेरे को एक चीज याद आ गई, मैंने आपको कई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए थे, उन रेशियोज में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भैया अगर आपको लिखना है 11.11%, तो इसका मतलब होगा 1/9। 22.22% की बात अगर हम करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा गुरु 2/9। अगर आप कहोगे 33.33% की बात करनी है मास्टर जी, तो ये होगा 3/9, या फिर इसी को हम बोलते हैं 1/3। वहीं पे अगर आपको बोलना है कि 9.09% का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे जी ये तो होता है 1/11। अगर मैं कहता हूं कि 18.18% का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे ये होता है 2/11। 27.27% का मतलब क्या होता है, आप कहोगे 3/11। ये रेशियोज आप सभी को याद होने चाहिए, ये मैंने सिर्फ ऐसे कोई स्टाइल मारने के लिए नहीं लिखवाया भाई, ये सारी याद होने चाहिए, जैसे ये सब याद होना चाहिए, विद प्रैक्टिस याद हो जाएगा, चिंता मत करो। फिलहाल आप ये कॉन्सेप्ट समझो, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट, अगर कोई चीजें, दो चीजें हैं जिनकी मल्टीप्लीकेशन हो रही है, जैसे कि लेंथ हो गया या फिर ब्रेथ हो गया, और मैं कहता हूं कि वो एरिया के इक्वल आ रहा है, अगर एरिया को कांस्टेंट रहना है या फिर एरिया पे मेरे को कोई चेंज नहीं चाहिए, फिक्स चाहिए एरिया की वैल्यू, तो भैया जितना लेंथ इंक्रीज करेगा उतना ही ब्रेथ को डिक्रीज करना पड़ेगा, जितना ब्रेथ इंक्रीज करेगा उतना लेंथ को डिक्रीज करना पड़ेगा। इस पे सवाल देखते हैं ना, और समझ में आ गई, इस पे सवाल देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन, आप पढ़ो फिर करवाता हूं, फटाफट से सभी लोग पढ़ेंगे इस सवाल को, और ऑफलाइन वालों चुपचाप बैठ के इसका सॉल्यूशन निकालो। सर वीडियो क्यों नहीं आ रही आज आपकी? यार कैमरा बंद क्या हुआ यार? खोल लो कहीं ना, कुछ और। नहीं यार बात यह है कि कैमरा अगर ओपन करूंगा ना मैं, तो मुझे ये हीटर बंद करना पड़ेगा, और ठंड हो रही है बढ़िया, टेबल चेयर पे बैठ रहा हूँ तो कम से कम हीटर चला रखता है। अब मेरे पास जो वो है ना एक्सटेंशन बोर्ड, उसमें दो ही सॉकेट है, एक लैपटॉप के लिए लगा रखा है, हीटर के लिए लगा रखा है, उसमें लाइट भी नहीं जलानी पड़ेगी। तो फिर तो बैठे थे सर, हीटर दबा दी। चलो जी देखो जी सवाल क्या कहता है, ये सवाल बहुत आता है एग्जाम में, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप किताबें खोल के देख लेना अपनी। द प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाय 57 1/7%। अच्छा 57 1/7% का मतलब क्या होता है रे?
बताओ 14 2/7% का मतलब मैंने आपको बताया था, 14 2/7, 14 2/7% का मतलब बताया था 2/7, 1/7, इसी की मल्टीप्लाई अगर आप कितने से कर दोगे, 4 से कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा 57, 1/7%, और इसी का मतलब होता है 4/7। उसने कहा कि शुगर के प्राइसेस 57 1/7% से इंक्रीज हो गए। बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस्ड सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स फिक्स। आपको मैंने बता रखा है कि बेटा जी एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन, ठीक है, प्राइस इंटू कंजम्पशन, प्राइस इंटू कंजम्पशन। उसने कहा आपसे कि प्राइस इंक्रीज हुआ है 4/7 से, समझना इस बात को, 4/7 से इंक्रीज हुआ है, यानी कि अगर पहले 7 था तो अब 4 और बढ़ गया, यानी कि 7 से 11 हो गया प्राइस। आपने कहा प्राइस तो मास्टर जी हो गया 7 से 11, अब एक्सपेंडिचर को रखना है फिक्स, यानी कि इस पे कोई चेंज नहीं चाहिए मेरे को, तो क्या कंजम्पशन को 11 से 7 होना पड़ेगा? आप इस बात को समझो, कंजम्पशन को यहां पे 11 से 7 होना ही पड़ेगा, यानी कि कंजम्पशन कितना डिक्रीज हो गया? आप कहोगे मास्टर जी 4 डिक्रीज हो गया, लेकिन कितने से डिक्रीज हुआ? 11 से डिक्रीज हुआ। आप कहोगे कंजम्पशन मेरा, कंजम्पशन 4 डिक्रीज हो गया 11 से, या फिर आप कहोगे कि 1/11 का मतलब तो मास्टर जी आपने बताया था 9.09, तो 4/11 का मतलब हो जाएगा 36.36%। ऑफलाइन वाले तुम्हारे सवाल बन रहे हैं ये वाले, ये बताओ मुझे, अगर बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहे तो भाई देख लो दोबारा, देख लो दोबारा। ठीक है, देखिए 1 मिनट रुकना जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन बताएगा इसका आंसर ये बताओ, चलो जल्दी से फटाफट। शौर्य कह रहा है यस सर, बहुत बढ़िया शौर्य, इसका आंसर कौन बता रहा है? द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय 20%। राइस के प्राइसेस 20% से फॉल कर गए, 20% से पैसे घट गए राइस के, यानी कि अगर पहले 5 थे तो अब पैसे 4 हो गए। हाउ मच राइस कैन बी बॉट मोर विद द मनी दैट वाज सफिशिएंट टू बाय 20 kg ऑफ राइस प्रीवियसली। अब इस बात में अगर कोई ये ना पहचान जाए कि जितने पैसे हम पहले खर्च कर रहे थे उतने ही पैसे हम अब खर्च कर रहे हैं, यानी कि आप कहो कि एक्सपेंडिचर तो फिक्स रहने वाला है, और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन, प्राइस इंटू कंजम्पशन। उसने कहा प्राइस 20% से घट गई, यानी कि प्राइस अगर पहले 5 थी तो अब 4 हो गई है, तभी तो 1 घटी है 5 पे, तो आप कहोगे कंजम्पशन को 4 से 5 बढ़ना पड़ेगा अगर एक्सपेंडिचर को उतने रखना है। तो पहले अगर हम 4 चावल खा रहे थे तो हम 5 चावल खा रहे हैं। उसने कहा हाउ मच राइस कैन बी बॉट मोर, कितना चावल ज्यादा खा सकते हैं विद द मनी दैट वॉज सफिशियंट टू बाई 20 kg ऑफ राइस प्रीवियसली। यानी कि पहले हम 4 चावल खा रहे थे, 4 का मतलब ही आपको 20 kg दिया हुआ था, जब 4 का मतलब 20 kg है तो 5 का मतलब हो जाएगा 25 kg। कितने केजी राइस आप एक्स्ट्रा खा पा रहे हो? 5 kg। ऑप्शन में भैया, ऑप्शन में थोड़ी सी गलती है, ऑप्शन में नहीं 25 दिया हुआ मैंने, कि मतलब अभी हम कितने राइस खा पा रहे हैं, ठीक है, तो आप 25 kg भी लगा सकते हो और ऑप्शन बी को 5 kg मान सकते हो। भाई 5 kg हम ज्यादा खा पा रहे हैं, ज्यादा मोर, लेकिन टोटल अभी हम 25 kg खा सकते हैं टोटल, देख रहे हो आप, अगर पैसे 20% से कम हो गए हैं तो 5 किलो चावल बढ़ गए जी हमारी डाइट में, 5 किलो चावल हमारी डाइट के बढ़ गए। चलो बहुत बढ़िया,
आंसर आ रहे हैं जी लोगों के, बहुत बढ़िया। साधना, बहुत बढ़िया सर है पांच का साधना। मतलब 20 होना चाहिए ना सर, क्योंकि पहले पहले का बात कर रहे हैं ना, पहले हम लोग 20 KG खाते थे ना। हाँ तो 4 का मतलब 20 है ना दोस्त, कंजम्पशन पहले 4 थी, अब कंजम्पशन 5 हो गई है, ये 4 थी कंजम्पशन पहले, तो इस 4 का मतलब भी तो 20 है, अब कंजम्पशन 5 हो गई है, क्योंकि हमारी प्राइस 5 से 4 हो गई थी, तो कंजम्पशन को 4 से 5 होना पड़ेगा। सर नेक्स्ट करो इसको भाई सॉल्व शिवाय करते। फोटो कुछ लगी रहा, शिवाय था क्या ये? मुझे शिवाय आलोक, नहीं, शिवाय का फोटो हुआ, अच्छा मुझे शिवाय लगा का ये फोटो आवाज, मुझे था ये तो ना आलोक की सर, आवाज थी ना। आवाज ये तो आलोक था सर, मतलब हाँ। अच्छा शिवाय का फोटो कह रहा है सर। चलो सवाल देखो, सवाल इसे छोड़ दो सर, अगला करो, ये सवाल गलत सा है। सवाल कर दे बवाल, सवाल ऐसा जो कर दे बवाल, ठीक है, सवाल ऐसा जो कर दे मैंने उस बवाल। टाइम भी चल रही हो रहा था ना, दिसंबर का ही महीना था वो भी। अरे यार बस बस बस, बातें खत्म, ठीक है, क्लास में निपटानी है प्रेजेंटेशन, चुपचाप पढ़ लो बैठ के। द प्राइस ऑफ शुगर रिड्यूस बाय 25%, बट इन स्पाइट ऑफ डिक्रीज मधु एंड्स अप इंक्रीजिंग हर एक्सपेंडिचर ऑन शुगर बाय 20%। उसने कहा अब की बार एक्सपेंडिचर फिक्स नहीं है, अब की बार एक्सपेंडिचर फिक्स नहीं है, लेकिन एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला तो वही होता है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। उसने कहा एक्सपेंडिचर भी मधु ने 20% से इंक्रीज कर दिया है, यानी कि एक्सपेंडिचर भी 5 से 4 हो जाएगा, 6 सॉरी, 5 से 6, 5 से 6 इंक्रीज हो रहा है ना, 5 से 6 एक्सपेंडिचर 5 से 6 हो जाएगा, और प्राइस थी शुगर की रिड्यूस बाय 25%, यानी कि जो चीनी है उसके पैसे 25% से कम हो गए हैं, पहले 4 थे तो अब 3 हो गए, तो बताया कंजम्पशन पे क्या फर्क पड़ा। आप कहोगे कंजम्पशन पे फर्क कितना पड़ा, 3 से 6 कट गया, आया 2, तो कंजम्पशन आ जाएगी जी हमारी 5/8, यानी कि आपने ये देखा पहले कंजम्पशन 5 थी, अब कंजम्पशन 8 हो गई है, कितनी कंजम्पशन इंक्रीज हुई है, 3, लेकिन कितने से इंक्रीज हुई है, 5 से, तो आप कहोगे 3/5 कंजम्पशन इंक्रीज हो गई है, जिसका मतलब होता है 60%, 60% किस किस का आ गया था 7%, ये बताओ। बहुत बढ़िया स्माइली, श्योरली बहुत बढ़िया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 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 करो इसको। एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वाई के, इफ एक्स इज इंक्रीज बाय 37.5%, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई। एक तरीका बताऊंगा इंजीनियर वाला, एक बताऊंगा थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग वाला, क्योंकि इंजीनियर्स में लॉजिकल रीजनिंग की थोड़ी कमी पाई गई, हालांकि उनसे ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग किसी की होती नहीं है, लेकिन आपको कैसे फिर पता सर फिर वो भी तरीका? थोड़ी अच्छा वो तरीका, क्योंकि मुझे तुमने ही बताया था शायद क्लास में। मैं तो बताया था पर आपको, अच्छा फिर ठीक है, मगर आप भी तो इंजीनियर हो। देखो एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, उसने कहा एक्स वाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या आप ये कह सकते हो उस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊंगा मैं तो सामने आएगा कांस्टेंट के, उसके नीचे होगा वाई, या फिर आप ये कहोगे के विल बी इक्वल टू एक्स इंटू वाई। जब के इक्वल आ गया एक्स इंटू वाई के, तो आप कहोगे के तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज ना होने वाली, वही एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजम्पशन वाली बात होगी, के कांस्टेंट आ गया, एक्स और वाई की मल्टीप्लाई कर रखी है, उसने कहा एक्स इंक्रीज हो गया 37.5% से, 37.5% का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो 37.5% का मतलब हो जाएगा 3/8। आपसे ये पूछा कि भैया के कांस्टेंट है, उसकी मल्टीप्लाई एक्स से हो रही है और वाई से हो रही है, उसने कहा के की वैल्यू कभी चेंज ना होने वाली, ये तो कांस्टेंट है अपने आप में, और एक्स जो है वो 8 से 11 हो गया, 3 बढ़ गया जी, 8 से 11 हो गया वो, तो वाई को भी 11 से 8 होना पड़ेगा, यानी कि आप ये कहोगे कि डिक्रीमेंट कितना आया यहाँ पे, 3 का डिक्रीमेंट आया, लेकिन कितने में से,
में से, तो आप कहोगे टोटल इफेक्ट आ गया 3/11 का, जब बेटा जी 1/11 का मतलब होता है 9.09%, तो आप कहोगे 3/11 का मतलब हो जाएगा 27.27%, 27.27%। ये सवाल समझ में आ रहे हैं आप सभी को? बताओ, मुझे बताओ जी, ये सवाल समझ में आ रहे हैं? आने चाहिए समझ में। सेम पैटर्न के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक, एक चीज इंक्रीज हो रही है तो एक चीज डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इधर की तरफ एक कांस्टेंट वैल्यू है, इधर की तरफ एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते चाहकर भी, चाहकर भी। चल देखो नेक्स्ट, ये तो जल्दी कौन बता रहा है फटाफट से, सभी लोग आंसर बताएंगे। ये उस क्वेश्चन वो मतलब ये वो वाली टाइप नहीं, ये तो अपने आप वो में एक कौन तरीका रहेगा सर उसका दूसरा। सा। अरे यार हाँ, सुनो 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 मेरी बात सुनो। देखो एक तो हमने कॉन्स्टेंट मान लिया, वो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। देखो एक तरीका समझना, मैं पेन की इंक चेंज कर देता हूँ। तरीका ये है, उसने कहा कि एक्स इज इंक्रीज बाय 37.5%, और एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वाई के, यानी कि एक्स जितना बढ़ेगा वाई उतना घटेगा। यहाँ पे कांस्टेंट मानने की जरूरत ही नहीं थी, एक्स जितना बड़ा है वाई उतना घटेगा, यानी कि आपने कहा कि अगर एक्स मेरा 8 से 11 हो गया, एक्स 8 से 11 हो गया, 3 जुड़ा है इसमें, 3 जुड़ा है, तो भैया वाई को 11 से 8 होना पड़ेगा, यानी कि 3 कम करने पड़ेंगे। तो डायरेक्ट यहां से आप 3/11 भी निकाल सकते थे, 27.27। आप इस तरह से भी सोच सकते हो चीज को कि भैया कांस्टेंट मानने की जरूरत क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितना एक्स बढ़ेगा उतना वाई को घटना पड़ेगा, जितना वाई बढ़ेगा उतना एक्स को घटना पड़ेगा। ठीक है, ये तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चलो चलो जी, चलो करो उस क्वेश्चन को सॉल्व, सॉल्व दिस बिलाडी क्वेश्चन। सेविंग्स ऑफ बी इज 45.45% मोर देन ए, बी की सेविंग्स ए से 45.45% ज्यादा है, तो ए की सेविंग्स बी से कितनी कम है? अच्छा 9.09% का मतलब था 1/11, तो 45.45% का मतलब क्या होगा? 5/11। उसने कहा कि बी की सेविंग्स ए से 5/11 ज्यादा है, यानी कि अगर ए की सेविंग्स 11 है तो बी की सेविंग्स उसमें 5 ज्यादा, यानी कि 16 है, 5 ज्यादा, यानी कि ए की सेविंग्स कम कितनी है? अरे 5 कम है, कितने पे? 16 से, 5 कम है 16 से, 5 कम है 16 से, 5/16 का मतलब बताना है। आपको पता है कि 1/16 का मतलब क्या होता है? 6.25%। आपको 5/16 का मतलब निकालना है, तो वो हो जाएगा 31.25%। ऑप्शन ए आंसर आ गया। अगर ये सवाल भी नहीं हो पाया ना रे, अगर ये सवाल भी नहीं हो पाया तो भाई मैं कुछ कहना नहीं चाहता। इफ प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 45%, प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 45%, देन बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ मैन इंक्रीज हिज कंजम्पशन सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। बताओ रे, बताओ फटाफट से। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, ये बात तुमको पता है? एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन है, ये बात हम लोगों को मालूम है, मालूम है। तो भैया उसने कहा कि प्राइस 45% से डिक्रीज हो गई है, 45% का मतलब होता है 9/20, यानी कि 9 कम हो गए हैं 20 से, यानी कि पहले 20 था प्राइस और अब 11 हो चुका है। उसने कहा कंजम्पशन को भैया 11 से 20 करना ही पड़ेगा, तभी जाके एक्सपेंडिचर सेम रहेगी। तो 11 से 20 इंक्रीज कितनी हुई है? 9। कितने पे इंक्रीज हुई है? 11 पे। 9/11 का मतलब क्या होता है? 9.09 × 9, यानी कि 81.81%।
इससे छोटा और इससे बढ़िया सॉल्यूशन हो नहीं सकता जी, इस सवाल का हो नहीं सकता जी। बेस्ट बेस्ट सॉल्यूशन है, बेस्ट। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 45%, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ मैन इंक्रीज हिज कंजम्पशन सो दैट एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 21%। भैया एक्सपेंडिचर तो 100 से 121 हो गया, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा बार बार। और शुगर की प्राइस जो थी वो 45% से डिक्रीज कर गई, यानी कि 20 से 11 हो गई। उसने कहा बताओ कंजम्पशन पे क्या फर्क पड़ेगा। हमने कहा पहले तो भैया जब 20 के टेबल से काट लो 5, फिर 11 के टेबल से 121 को काट लो 11। आपने देखा कंजम्पशन तो चाचा 5 से 11 होगी, 5 से 11 यानी कि इंक्रीमेंट कितना आया, आप कहोगे 6 का इंक्रीमेंट आ गया 5 पे, 6 का इंक्रीमेंट आ गया 5 पे। इसको आप ये भी तो कह सकते हो 1 + 1/5, 1 + 1/5, 6/5 को आप कहोगे 1 का मतलब तो होता है 100%, और 1/5 का मतलब होता है 20%, यानी कि ये टोटल 100 + 20 यानी कि 120% का इंक्रीमेंट आ गया जी। आप डायरेक्ट 6/5 की मल्टीप्लाई 100 से भी कर सकते तो तब भी 120% आता, लेकिन ये चीज सीखोगे तो थोड़ा सा दिमाग की उन्नति होगी तुम्हारे, ये चीज सीखोगे तो दिमाग की उन्नति होगी, सोचने में अच्छा लगेगा आपको कि भाई ये 1 + 1/5 कर दिया। चल नेक्स्ट, नेक्स्ट करो जी, नेक्स्ट। द प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज बाय 12.5% एंड देन इंक्रीज बाय 28.56%, बट नाउ पर्सन स्पेंड्स 35% मोर ऑन बाइंग राइस, फाइंड परसेंटेज चेंज इन द कंजम्पशन। पहले तो प्राइस 12.5% से डिक्रीज हुई, उसके बाद इंक्रीज हुई 28.56% से, लेकिन अब जो वो बंदा है, बंदा वो 35% ज्यादा पैसे खर्च करता है। बहुत ही लल्लू सवाल, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो भैया एक्सपेंडिचर 100 से 135 हो गया, 100 से 135 हो गया। आपने कहा प्राइस पहले 12 12.5% से डिक्रीज हुआ, 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी कि आप कहोगे पहले अगर 8 था प्राइस तो फिर 7 हो गया। उसके बाद यही प्राइस 28.56% से इंक्रीज कर गया, इसका मतलब होता है जी हमारा 2/7, क्योंकि 14.28% का मतलब हमने आपको बताया था 1/7, तो 28.56% का मतलब हो गया 2/7। अब ये प्राइस 7 से 9 हो गया क्योंकि इंक्रीज हो गया 2/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अच्छा कंजम्पशन यहाँ पे अभी भी बेशर्मों की तरह है, और इस बेशर्म की भी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो 100 और 135 ये 5 के टेबल से कट जाएंगे, ऊपर आएगा 20 और नीचे बचेगा 27, 27। 9 के टेबल से आप 27 को काट दोगे तो आएगा 3, 8 के टेबल से आप 20 को काट दोगे यानी कि 4 के टेबल से ये 2 आएगा, ऊपर 5 बचेगा। आप कहोगे कंजम्पशन पे फर्क कितना आया, कंजम्पशन 5 से 3 दूनी 6 हो गई। आप कहोगे जी एक इंक्रीज हुआ है कितने पे, 5 पे। जब एक इंक्रीज हुआ है 5 पे तो फर्क आ गया 1/5 का यानी कि 20%। बताओ जी किसी को कोई दिक्कत आई हो इस सवाल में तो हम बता दें कि मास्टर जी दिक्कत आ गई इसमें, खाल इतनी उधेड़ूंगा अगर इसमें दिक्कत आ गई तो, कि फिर वो कोई सिल नहीं पाएगा, ऐसे उधेड़ूंगा खाल को ऐसे। तुम बताओ चाहे ना बताओ तुम्हारी तो क्वेश्चन खाल जरूर उधेड़ूंगा। है थैंक यू। क्या भाई उधेड़ोगे सर? खाल स्किन अच्छा अच्छा ठीक।
सवाल देखो चुपचाप। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 32% इन द प्राइस ऑफ पल्स, दालों के प्राइस में 32% का इंक्रीमेंट आ गया। अच्छा जी, अ पर्सन रिड्यूसेस हिज कंजम्पशन इन सच अ वे दैट इज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%। अच्छा, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है लेकिन तब भी कंजम्पशन कम हुई है। इफ ही कंज्यूम्स 150 kg ऑफ पल्स आफ्टर द प्राइस हैज इंक्रीज, यानी कि प्रेजेंट में वो 150 किलो दाल खा रहा है, देन हाउ मच पल्सेस मस्ट कंज्यूम बाय हिम इनिशियली। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 32% इन प्राइस ऑफ पल्स, प्राइस 32% से इंक्रीज हो गए। अरे 32% का मतलब 4 के टेबल के हिसाब से आना चाहिए 8/25, 8/25। यानी कि उसने ये कहा कि प्राइस 25 से 25 + 8 33 हो गए। ये प्राइस की बात चल रही है, प्राइस की, प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है हमारा एक्सपेंडिचर। उसने कहा एक्सपेंडिचर 10% से इंक्रीज हो गया, यानी कि एक्सपेंडिचर 10 से 11 बन जाएगा बेटा जी। और कंजम्पशन पे तो हमें पता ही नहीं कि क्या फर्क पड़ा है, अभी पहले फर्क पता चलेगा हमें, उसके बाद हम 150 kg की हेल्प लेंगे। 11 से आप देखोगे 33 कट जाएगा, 3 और 25 और 10 कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 5। यानी कि आप कहोगे कंजम्पशन 6/5 आ गया, यानी कि पहले कंजम्पशन 6 था, अब कंजम्पशन 5 है। पहले कंजम्पशन 6 था बेटा जी, अब कंजम्पशन 5 है। उसने कहा फिलहाल वो 150 किलो दाल खरीद पाता है, यानी कि 5 का मतलब ही 150 दिया हुआ है, 5 का मतलब ही 150 kg आपको दिया हुआ है। तो आप ये ना कहोगे इसमें मल्टीप्लाई कितने की हुई है, 30 की मल्टीप्लाई की हुई है, 30 की मल्टीप्लाई। आपको बताना है कि पहले वो कितनी दाल खरीद पा रहा था, तो आप इसमें भी 30 की मल्टीप्लाई कर दो, 180 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, बात ही खत्म हो गई। अब इस टाइप के मैंने इतने सवाल करवा दिए भाई, इसमें गलती हुई ना अगर एग्जाम में, तो अगेन अगेन खाल इतनी उधेड़ूंगा ना सबकी। आज क्लास में नितेश डर गया था, क्यों डरा भाई तू, व्हाई डिड यू गॉट स्कैर्ड? सर मैं नहीं डरा सर। नहीं डरा, कल डरा देंगे तुझे। नहीं सर मैं तो ठीक हूँ। कोई नहीं, कल को मिलते हैं आराम से। कल का लंच तेरे साथ होगा। देखो भी सवाल देखो। ड्यू टू 25% हाइक इन प्राइस पर केजी, अ पर्सन इज एबल टू परचेज 20 kg ऑफ राइस लेस फॉर ₹400। फाइंड करंट प्राइस, करंट कंजम्पशन, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल कंजम्पशन। इसमें ऑप्शन रखता तो कैसे रखता, क्योंकि चार चीजें पूछी। इस सवाल के जरिए मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा अभी तक के इस न्यू कॉन्सेप्ट का। उसने कहा 25% हाइक हुआ है पैसे में पर केजी, लेकिन अब जो बंदा था वो 20 kg राइस कम खरीद पाता है पहले से ₹400 में। यानी कि पहले भी वो ₹400 ही खर्च करता होगा रे, पहले भी ₹400 खर्च करता होगा। यानी कि एक्सपेंडिचर क्या रहा, सेम एक्सपेंडिचर सेम रहा। ठीक है, प्राइस 25% से हाइक हुआ है, यानी कि 4 से 5 हो गया होगा प्राइस। तो आप कहोगे मास्टर जी कंजम्पशन को 5 से 4 घटना पड़ेगा। जब कंजम्पशन को 5 से 4 घटना पड़ेगा मास्टर जी, तो आपने कहा अभी वो 20 किलो चावल कम खरीद पाता है, यानी कि पहले 5 खरीद रहा था, अब 4 खरीद रहा है। कितना कम खरीद पा रहा है, 1। इस 1 का मतलब मास्टर जी जब 20 kg दिया हुआ है तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 80 किलो। यानी कि अब वो 80 किलो चावल खरीद पा रहा है। 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 100 किलो। यानी कि पहले वो 100 किलो चावल खरीद पाता था। तो भैया ओरिजिनल कंजम्पशन और करंट कंजम्पशन तो आ गया 80 किलो और 100 किलो। आपसे अगर पूछे कि करंट प्राइस क्या है, अच्छा ये करंट प्राइस पर केजी है, पर केजी, ओरिजिनल प्राइस पर केजी। आप ध्यान से देखना, ₹400 में पहले वो 100 किलो चावल खरीद पाता था,
यानी कि आप कहोगे 1 किलो चावल 4 रुपए में खरीद लेता होगा, तो भैया पहले की प्राइस तो थी 4 रुपए पर केजी, अभी वो 400 रुपए में सिर्फ 80 किलो चावल खरीद पाता है। समझना इस बात को बड़े प्यार से, तो वो 1 किलो चावल कितने में खरीदेगा? 5 रुपए में, 5 रुपए में। तो भैया ये आ गया करंट प्राइस। इस कॉन्सेप्ट का अटमोस्ट क्वेश्चन यही आपसे पूछ सकता है, इससे बाहर नहीं पूछेगा, अटमोस्ट यही पूछ सकता है। प्राइस पूछ लेगा या फिर ये कह देगा कि जी बताओ पहले कंजम्पशन कितना था अब कंजम्पशन कितना है, परसेंटेज चेंज पूछ लेगा, कुछ ही पूछ ले, फर्क नहीं पड़ता जी, कुछ भी पूछ ले। ठीक है, इस टाइप में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए मुझे अभी, क्योंकि ये टाइप खत्म हो चुकी है। ठीक बताओ जी, शिवाय चौधरी ये क्या लिंक भेज रहा है तू, जैम बोर्ड गूगल क्या भेज रहा है भाई, क्या भेज रहा है? जैम बोर्ड तुझे ही जाम कर दूंगा अभी मैं, इधर ही कुछ जैम बोर्ड एक्सेस खुल रहा है। ये देखो 2021 का क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट। इफ पी वेरीज डायरेक्टली एस क्यू, पी वेरीज डायरेक्टली एस क्यू एंड इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ आर, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब ध्यान से समझना इस सवाल को, ये समझ नहीं आएगा वरना। क्या मैं कंबाइनली ये कह सकता हूं कि भैया पी डिपेंड कर रहा है क्यू अपॉन आर स्क्वायर पे? कंबाइनली मैं ये कह सकता हूं। वॉट इज द परसेंट टेज इंक्रीज इन पी ड्यू टू एन इंक्रीज इन क्यू बाय 20%। क्यू में कितना इंक्रीज हुआ है 20% का, और आर में कितना डिक्रीज हुआ है 20% का। ठीक है चलो देखो, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के दोबारा से एक कॉन्स्टेंट लो यहाँ पे, क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ गया। आप कहोगे अल्टीमेटली भैया इस के का मतलब आ गया P इंटू आर स्क्वायर अपॉन क्यू। ये के तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो चेंज होगी ना, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट। यानी कि आप कहोगे जितना इफेक्ट इस आर स्क्वायर अपॉन क्यू में आएगा उसका ही उल्टा इफेक्ट इस पी में आना चाहिए, तभी जाके ये के कांस्टेंट रहेगा। उसने कहा था आपसे कि आर तो डिक्रीज हुआ है, आर तो डिक्रीज हो गया है 20% से। आर की अगर मैं बात करूं 20% से डिक्रीज हुआ है, यानी कि पहले अगर 5 था तो अब मुन्ना हो जाएगा ये 4। आप कहोगे लेकिन आर स्क्वायर पे क्या फर्क पड़ेगा? आर स्क्वायर पे तो भैया 25 से 16 फर्क पड़ेगा, स्क्वायर हो गया भैया 5 और 4 का, 5 से 16। जब आर स्क्वायर 25 से 16 हो रहा है और क्यू उसने कहा कि इंक्रीज हो रहा है 20% से, यानी कि 5 से 6 हो रहा है, 5 से 6। बस इन वैल्यूज को आप पुट करो, के इज इक्वल टू पी, आर स्क्वायर की जगह रखो आप 25/16, और उसके नीचे आएगा 5/6, 5/6। आप 16 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे, 25 की मल्टीप्लाई आप 6 से करोगे, तो आपके पास आएगा के इज इक्वल टू पी इंटू 25 × 6 बटे 16 × 5। 5 से 25 कैंसिल हुआ, 5 बचा ऊपर और नीचे 6, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। आप कहोगे K की वैल्यू क्या आ गई, मैं इधर लिख देता हूँ, K की वैल्यू क्या आ जाएगी, P इंटू 5 या 15/8, 15 से 8 हो रही है ये क्वांटिटी, तो आप कहोगे P को कितना होना पड़ेगा 8 से 15। समझो इस सवाल को, P को कितना होना पड़ेगा 8 से 15, P को तो 8 से 15 होना पड़ेगा, यानी कि ये इंक्रीज हुआ है। कितने से इंक्रीज हुआ है? आप कहोगे जी 7 से इंक्रीज हुआ है, लेकिन पहले कितना था? 8 था पहले, तो भैया 7 इंक्रीज हुआ है टोटल 8 से। 1/8 का मतलब था 12.5%, 7/8 का मतलब हो जाएगा 87.5%,
ऑप्शन ए इसका आंसर है। भैया 8/15 की जगह 8/16 नहीं होगा? क्यों 16 कहाँ पे लिखा हुआ है? ये 15 है, ये 15 है, ये 16 नहीं। 15 लिखा हुआ है रेड पे। ठीक, हाँ ये 15 है। ये 15 है, 15। इस टाइप के सवाल आते हैं जी, देख लो देख लो। शिवाय कह रहा है कि भैया मेरे छोटे वाले भाई ने ये सेंड कर दिया है। तुम्हारा अपने छोटे बहन भाइयों पे जोर नहीं चलता क्या? मतलब जोर ऐसा चलना चाहिए कि तुम घर में घुसो और दो थप्पड़ घुसते ही मार दो उनके मुंह पे, और जब घर से बाहर निकल रहे हो तो लो जब लगा के जाओ। भाई साहब जलवा है, जलवा। मैंने करी थी सर कोशिश, क्या हुआ? पहला मारा था, दूसरा मारने से पहले तीन मेरे बाप ने धर दिया मेरे। पर कोई कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो शुरू शुरू में उनको लगेगा जी, फिर तुम अगले दिन जाओ। एक तो बढ़िया रहा, पहला तो बढ़िया लगा, एक तो मजा तो आया पहला मार गया। बढ़िया, पहला मारे करो बहुत सख्त रहे, बट मतलब उन्हें पता लगे कि हाँ बड़ा भाई है बड़ी बहन है, पता यहाँ तो तो चले सर जो उल्टा बसता है बिल्कुल, दावा तोड़। सही है भाई। एलम पट्टी होनी चाहिए, तू तो छोटा है ना यार, सॉरी तू तो हाँ छोटा है ना घर मेरे का। में तो बसता, मैं वही तो बता रहा हूँ। सही है भाई, सही है। अब देख तू बुरा नहीं मानता बात अरे का, मजा भी उछड़ सुन के सर रहा। में कौन ही मार दे, बुरा क्या मानना सर इसमें। बड़े बहन भाई तो पीटती है भाई, और आप लोग अगर बड़े हो तो प्लीज आप पीटा करो छोटे बहन भाइयों को, अच्छा लगता है। इन अ हॉस्टल द रेंट पर रूम इज इंक्रीज बाय 20%। ये 2019 का चोक रेंट है स्लैम दे के छुट्टी करो। भाई, उससे मर भी सकता है वो। आपको मारना नहीं है जिंदा, आपको सिर्फ थोड़ी सी पीड़ा दे के छोड़ देना। तगड़े में मजा है ना सर, आप भाई, आप तो लंबे खेल पे आ गए, आपने तो जान से मार दिया। मजा तो तगादे में है ना सर। अच्छा तका दे मैं। इन अ हॉस्टल देखो, इन अ हॉस्टल द रेंट पर रूम इज इंक्रीज बाय 25%, नंबर ऑफ रूम्स इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 20%, द हॉस्टल इज ऑलवेज फुल, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द टोटल कलेक्शन ऑफ द कैश काउंटर। आप कहोगे कैश इकट्ठा कितना होता है, कैश इकट्ठा कितना होगा भैया, कितने रूम से आपके पास वो बताओ, और एक रूम का किराया कितना है रेंट पर रूम, ऐसे तो निकलता है कैश टोटल। उसने कहा कि रूम्स भी 20% से इंक्रीज हो गए हैं और रेंट भी 20% से इंक्रीज हो गया है। रूम्स भी 5 से 6 हो जाएंगे और रेंट भी 5 से 6 हो जाएंगे, तो कैश पे टोटल फर्क कितना पड़ा, 25 से 36, यानी कि टोटल 11 का फर्क पड़ गया 25 पे, यानी कि इफेक्ट कितना आया 11/25। अच्छा 1/25 का मतलब 4% था, तो 11 × 4 यानी कि 44%। इस बात को ध्यान रखना कि 1/25 का मतलब होता है 4%, और 1/4 का मतलब होता है 25%। अब देख लो, ये कॉन्सेप्ट वाकई में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ वीट राइजेस बाय 25%, देन बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ मैन रिड्यूस कंजम्पशन इन ऑर्डर टू कीप द बजट सेम बिफोर। सिंपल सी बात है भाई, एक्सपेंडिचर को सेम रखना है। प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है 25% से। आप कहोगे प्राइस जब आपका 25 इंक्रीज हुआ है तो 4 से 5 हो गया है, तो आपकी कंजम्पशन 5 से 4 कम करनी पड़ेगी आपको, एक कम करना पड़ेगा टोटल 5 पे। एक कम हुआ है टोटल 5 पे, यानी कि 20% का डिक्रीमेंट आ गया जी कंजम्पशन में। ऑप्शन बी आंसर आ गया, ऑप्शन बी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया स्माइली। नेक्स्ट, व्हेन प्राइसेस राइज बाय 12%, इफ एक्सपेंडिचर इज टू बी सेम, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन टू बी रिड्यूस। सिंपल सी बात है, आपने कहा कि एक्सपेंडिचर को सेम रखना है और प्राइस को डिक्रीज करना है 12% से। 12% का मतलब होता है 3/25, यानी कि 25 से 28 आपको करना है अपना कंजम्पशन। 25 से 28 प्राइस हो गए हैं, इंक्रीज हो गए, तो आपको कंजम्पशन 28 से 25 करना पड़ेगा, आपको कंजम्पशन 28 से 25 करना पड़ेगा। कितना रिड्यूस हुआ, 3, 3 कम हो गया भैया 28 पे, 3 कम हो गया 28 पे। आप कहोगे अगर यहां पे मैं पूरे 100 की मल्टीप्लाई कर दूं
तो ये आ जाएगा 300/28। अब आप इसको भैया काट लो, चार के टेबल से काट लो इससे ऊपर ही, ठीक है यही काट लेता मैं इसको 25, और नीचे बचता 7, यानी कि ये बचता इन टोटल 75/7, 75/7, यानी कि ये आ जाता नीचे डिनोमिनेटर में 7, ऊपर 10, 5/7%। ऑप्शन डी आंसर आ गया। कितनी बार रिपीट हुआ है भाई, कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन? अभी किसी को क्लास में दिक्कत हो इस चीज को लेके तो बता दे मुझे। आलोक भाई कुछ दिक्कत इसमें तो बताओ। क्लियर नो सर, क्लियर है। है ये मैथड बिल्कुल? यस सर। रितेश, रितेश भाई बताइए। हाँ सर जी मन्नू। सर क्लियर है। मैंने मंजू क्या कह रहा है भाई? सर इसे एक्स मान के करवा दो एक बार। विपिन आया क्लास में? विपिन तो ये समझ में आया? विपिन, विपिन नहीं है क्लास में। विपिन होता सर ये तो ही एक बार मैं और एक्स होता मान के ना करवाता हूँ। सर, एक बार और। बिना विपिन के हम एक्स मान के नहीं करवाते, ठीक है? समझो मेरी बात को, समझो जी। रितेश जी आपको ये मेथड समझ में आ रहा है भाई? बताओ। यस सर। बहुत बढ़िया, नीलेश तो बढ़िया लग कहाँ रहा है। बैठा? नहीं रितेश, रितेश मैं नितेश नहीं कह रहा, रितेश। यस सर जी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा सर ये 25 से 28 वाला बताना एक बार और। भाई देख, उसने कहा था प्राइस राइज हुआ 12% से। 12% का मतलब होता है बंधु 3/25, यानी कि प्राइस 3 इंक्रीज हो गई है 25 पे। प्राइस 25 से 28 हो गई है, तो कंजम्पशन को 28 से 25 कम करना पड़ेगा। तो कंजम्पशन कितना कम हुआ? 3 कम हुआ, टोटल 28 पे। तो 3/28 का मतलब निकालना है। इसकी मल्टीप्लाई आप 100 से कर दोगे तो बहुत क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पे। 25 और 7, यानी कि ये आ जाएगा 75/7, यानी कि 10, 5/7%। अब बताओ नमन, हुआ क्लियर? बता दे भाई। भाई अगर ये क्लियर हो गया ना तो मैं तो बहुत सही बात है, मतलब बहुत सही मेथड है। देखो टाइप टू आ गई जी, अब आज के दिन की टाइप टू, आज के दिन की टाइप टू, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, और बेशुमार क्वेश्चंस आते हैं इसके, बेशुमार क्वेश्चंस। देखो पहले इसको देखो, देखो और सीखो, देखो और सीखो। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, दोनों ही तरीके मैं आपको बताऊंगा, दोनों ही तरीके आपको सीखने हैं। जो भी चीज आप आगे जाके यूज करना चाहे वो आप यूज कर सकते हैं। उससे पहले मैं इस खूबसूरत से पेज को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना चाहूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं इस वाले क्वेश्चन को करने के। पहला तरीका मैं आपकी स्क्रीन पर लिखना चाहूंगा, देवियों सज्जनों बड़े ध्यान से देखना। उसने कहा एक पर्सन है, वो अपनी 75% इनकम को खर्च कर देता है। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द सेविंग्स। समझना इस बात को बहुत प्यार से। मैंने कहा इनकम कैसे कैसे डिवाइड होती है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स में डिवाइड हो जाती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स में। भाई खर्चा और बचत को जोड़कर ही हमारी टोटल इनकम आती है। उसने कहा एक बंदा 75% इनकम खर्च कर देता है, यानी कि अगर वो 100 रुपए कमा के ला रहा है तो 75 तो खर्चा हो जाता है भैया, और 25 की सेविंग्स हो जाती है। 75 खर्चा हो जाता है और 25 की सेविंग्स हो जाती है, यानी कि टोटल आप कह सकते हो रेशियो 4, 3 और 1 का आ जाएगा। 4 = 3 + 1। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि मैं अगर यहाँ पे 100 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 400, 300 और 100 भी कह सकता हूं मैं। आप ये भी कह सकते हो कि एक आदमी 400 रुपए कमा के लाता है तो 300 खर्च हो जाते हैं भैया और 100 बच जाते हैं। अब भी रेशियो बिल्कुल ठीक बैठ रही 75% की। अब आपको देखना है इफेक्ट कितना पड़ा, इफेक्ट कितना पड़ा। बैलेंसिंग का क्वेश्चन है पूरा, बैलेंसिंग का। उसने कहा कि इनकम इंक्रीज हुई है 20% से,
इस 400 का आप 20% निकालो, 400 का 10% होगा 40, 20% होगा 80, इक्वल टू लगाओ। उसने कहा कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया 10% से, यानी कि 10% से इंक्रीज हुआ है, यानी कि 30 से इंक्रीज हो जाएगा। अब बेटा जी जब इस तरफ 80 है, इस तरफ 80 है, इस तरफ 30 है, तो क्या और जोड़ना पड़ेगा कि यहां पे 80 बन जाए 50? यानी कि आप कहोगे सेविंग्स पहले 100 थी, अब इफेक्ट 50 का आ गया है, तो कितना इंक्रीज हो गई है? 50%। यही आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा 50%। एक तरीका तो हुआ जी ये, इस तरीके में किसी को दिक्कत हो तो बताए ना, एक तरीका तो हुआ ये आपके सामने 50%। बताओ क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दूसरा तरीका है जी हमारा एलिगेशन का। एलिगेशन आप सभी को याद होगी, एलिगेशन पढ़ाई थी मैंने। एलिगेशन आप इस बात को अपनी नोटबुक में एज इट इज लिख लोगे कि भैया अगर हम एक्सपेंडिचर, अगर हम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के चेंजेस में एलिगेशन लगाते हैं तो इनकम में चेंज मिल जाता है। अगर हम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स में एलिगेशन लगाते हैं तो इनकम का चेंज मिल जाता है। आपसे ये कहा था कि एक बंदा 75% इनकम को खर्च कर देता है, यानी कि अगर वो 3 एक्सपेंडिचर है उसका तो सेविंग्स 1 है, 3:1 हो गया। उसने कहा कि इनकम में इंक्रीज आया 20% का। मैं इनकम को सेंटर में लिख देता हूं मुन्ना, मैं इनकम को सेंटर में लिख देता हूं कि जी इनकम में 20% का चेंज आया, मैंने लिख दिया 20%। उसने कहा एक्सपेंडिचर में चेंज आया 10% का, तो बताओ सेविंग्स में कितना चेंज आएगा? मैं कहूंगा ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, 20 में से मैंने 10 को माइनस किया तो आया 10। जब इस 1 का मतलब 10 है तो इस 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 30। आपने 20 में से 10 को माइनस किया था, यानी कि अब ये वाली जो वैल्यू आएगी वो ऐसी वैल्यू होगी जिसमें से आपने 20 को माइनस किया होगा और 30 वैल्यू आ गई होगी, यानी कि वो 50% होगा। ये आ गया आंसर। दोनों ही तरीके बेस्ट हैं, लेकिन आई प्रिफर एलिगेशन इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। आई प्रिफर एलिगेशन क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन ऐसा आ गया था जहां पे ये पहले वाला मेथड फेल हो गया था। वो क्वेश्चन भी करवाऊंगा आज, आज की क्लास का आखिरी सवाल वही होगा, आज की क्लास का आखिरी सवाल वही होगा। आप इस बात को फिलहाल समझ लो कि एक्सपेंडिचर और सेविंग्स में एलिगेशन लगाने से इनकम मिल जाती है। एलिगेशन आप सभी को याद होगा, याद नहीं है तो आपको याद दिला दिया जाएगा आज ही क्लास में अगले सवाल के द्वारा। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मैं सिर्फ इसको चाहता हूं कि आप मुझे आंसर बताएं फटाफट से आंसर बताएं। उसने कहा इनकम ऑफ पर्सन इज 80% मोर देन द एक्सपेंडिचर, यानी कि अगर उसकी एक्सपेंडिचर 100 है तो उसकी इनकम कितनी है? 180। तो सेविंग्स कितनी होंगी? 80। समझो इस बात को, सेविंग्स, एक्सपेंडिचर और इनकम। क्या आप ये कह सकते हो कि मास्टर जी इसको तो मैं काट के लिख सकता हूं 9 और 4 और 5, 20 के टेबल से काट दिया, या फिर मैं इसको कह सकता हूं 900, 400 और 500। ऐसा करने से ना परसेंटेज निकालनी आसान पड़ जाती है, इसलिए मैं कर लेता हूं उसको, इसलिए मैं कर लेता हूं। उसने कहा कि हिज इनकम इंक्रीज बाय 11%। इनकम कितने से इंक्रीज हुई? 11% से। अब 1% तो होगा भैया 9, 11% होगा 99। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 7%, यानी कि 500 का 7% निकालना है, 1% 5 होगा, 7% 35 हो जाएगा। तो यहां क्या बचेगा? 64 बचेगा, यहां पे 99 से 35 घटाओगे तो 64 बचेगा। 64 कितना परसेंट है आप कहोगे 400 का? 16% है, 16% है।
आंसर आ गया जी 16% सी, आंसर आ गया जी सी 16%। अब इसमें एलिगेशन लगा के देख लो कितना आसान काम बन जाएगा। उसने कहा कि एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो कितना होगा, 5:4, 5:4 एक्सपेंडिचर और सेविंग्स। उसने कहा कि एक्सपेंडिचर पे फर्क आ रहा है 7% का, देखना कितना आसान पड़ जाएगा ये, और इनकम पे फर्क आ रहा है 11% का। मैंने कहा ठीक है 11 में से आप 7 को माइनस कर दो, आएगा 4, 4%। अब जब 4 का मतलब 4 दिया हुआ है तो 5 का मतलब हो जाएगा 5%, यानी कि कितनी वैल्यू में से मैं 11 माइनस करूं कि 5 आ जाए, आप कहोगे 16। यह आ गया आंसर, एलिगेशन से भी हो रहा है जी सवाल ये। बताओ किसी को कोई डाउट हो, कोई शक सवाल हो। आलोक जी समझ में आ रहा है? यस सर। समझो इस चीज को, मतलब ग्रहण करो इस बात को, एक्सेप्टेंस लगाओ अपने माइंड में कि हाँ भाई ऐसा है तो ऐसा हो रहा होगा, सच में ऐसा है, चीजें जब जाके समझ में आएंगी। ठीक है जी, और करते हैं, ऐसे तो बहुत क्वेश्चन है मेरे पास इसके, बहुत क्वेश्चन। ये देखो, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वॉज 13,500। सर एक बार वो बिगाओ, गोरे गोरे गाल वाला। द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वॉज 13,500 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वॉज 9,000। नेक्स्ट भाई, तू मेरा ध्यान क्यों बटा रहा है यार, चीज ही ऐसी याद दिला रहा है तू, चल ठीक है। नेक्स्ट ईयर हिज मंथली इनकम इंक्रीज बाय 14%, 14% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 7%। द इंक्रीज इन सेविंग्स नाउ, इंक्रीज इन सेविंग्स नाउ, डायरेक्ट एलिगेशन से कर ले इस सवाल को, डायरेक्ट एलिगेशन से। उसने कहा था कि भैया मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इज 13,500, उसमें से एक्सपेंडिचर है 9,000 का, तो भैया सेविंग्स हो जाएंगी 4,500 की। यानी कि आपने ये देख लिया कि एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो कितना आ रहा है, 2:1। उसने कहा कि इनकम इंक्रीज हुई 14% से और एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ 7% से, 14 में से आपने 7 को घटाया, आया 7%। 1 का मतलब 7 दिया हुआ है तो 2 का मतलब हो जाएगा 14, यानी कि अब इसमें से कितना माइनस किया, कितने में से 14 को माइनस किया होगा कि 14 ही आ गया, 28 में से किया होगा, आंसर आ गया 28%। एलिगेशन से तो ये हुआ जी, एलिगेशन से तो ये हो गया। अब बात करोगे आप यहां पे तो ये हो जाएगा 2, 1 और 3। ठीक है, ये थी मेरी इनकम और ये था एक्सपेंडिचर और ये थी सेविंग्स। इसको आप 300, 200 और 100 मान सकते हो। उसने कहा कि इनकम इंक्रीज हुई है 14% से, इनकम इंक्रीज हुई है 14% से, 1% हो गया 3, 3 × 14 आपने निकाला, 3 × 3 = 12, तो 42, 42 आ गया। उसके बाद आपने कहा कि भैया 200 का 7% निकालना पड़ेगा, 200 का 7% निकालोगे आएगा 14, बचा 28। तो 28 कितने परसेंट है 100 का, आप कहोगे 28% ही तो है। दोनों ही तरीके आपके सामने हैं जी, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि एक्सपेंडिचर और सेविंग्स में एलिगेशन लगाने से इनकम का चेंज निकलता है। क्लियर हो रही है बातें? बताओ 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 रे। चलो मैं तुम्हें वो क्वेश्चन करवा देता हूं पहले, लास्ट वाला। ये देखो, ये देख लो, अब तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई मैं एलिगेशन एलिगेशन क्यों कह रहा हूं इतनी देर से, एलिगेशन से ही होगा ये सवाल। रवीना स्पेंड्स एक्स परसेंट ऑफ हर इनकम, द इनकम इंक्रीज बाय
42%, then expenditure increased by 56%, and सेविंग्स इंक्रीज बाय 35%, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब भाई वो जो मेथड था ना इनकम वाला, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, वो फेल हो गया जी, वो मेथड तो फेल हुई का। अब आपको डायरेक्ट यहाँ पे एलिगेशन लगानी पड़ेगी, एक्सपेंडिचर सेविंग्स, उसने कहा एक्सपेंडिचर पे कितना फर्क पड़ रहा है, अच्छा इनकम पे तो 42 का, एक्सपेंडिचर पे 56% का और सेविंग्स पे 35% का। आप ये कहोगे 56 में से मैं 42 को माइनस करूंगा तो आएगा 14। आप 42 में से 35 को माइनस कर दोगे तो आएगा 7, यानी कि 7:14 या फिर 1:2 आ रहा है, 1:2 काट दिया 7 के टेबल से। ये 1:2 आ क्या रहा है, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो, यानी कि 1:2। जिसने भी एलिगेशन नहीं पढ़ा ना, भाई पढ़ लेना, रिकॉर्डिंग है तुम्हारे पास, प्लीज आप लोग ध्यान से पढ़ो। एक्सपेंडिचर का रेशियो और सेविंग्स का रेशियो आके 1:2, यानी कि भैया इनकम कितनी होगी, 1+2 3, इनकम 3 होगी मेरे पास, सिंपल सी बात है। उसने कहा कि बताओ उसने कितने परसेंट ऑफ इनकम खर्च करी, रवीना ने एक्स परसेंट इनकम खर्च करी थी, यानी कि उसने एक खर्च किया है 3 में से, उसने एक खर्च किया है 3 में से, इसी का मतलब होता है 33.33%। ऑप्शन सी आंसर, इसलिए मैं एलिगेशन को कह रहा था कि प्रेफर करता हूं भाई, ये सवाल सीरियस में आया था। बताओ जी, कोई ऐसा किसी को इस मेथड में डाउट हो तो बताए हमें कि मास्टर जी हमें डाउट आ गया इस मेथड में। महंगाई टायन खाए रात है। अब देखो ये सवाल देख लो, ये होमवर्क है तुम्हारा, पीडीएफ में मिल जाएगी, इसमें होमवर्क करना, ठीक है, सेम टाइप होमवर्क, सेम होमवर्क, और सारे पीवाई की वही है, चुपचाप कर लेना इनको, डाउट आएगा तो व्हाट्सएप कर देना। ये होमवर्क नहीं है। चलते हैं पहले इलेक्शन वाले क्वेश्चंस पे, फिर बात करेंगे आगे की। ये देखो बस जब ये लगा लो, तुम्हारा मुश्किल से आधे घंटे का बचा है, आधे घंटे का, तो आधे घंटे और बैठ जाओ, चुपचाप रजाई में बैठ जाओ, रफ कॉपी लेके, हम बाहर बैठे भाई, टेबल चेयर पे बैठ के चल रही है क्लास, तो प्लीज कोई भी पेशेंस नहीं खोएगा। कंबल में बैठ के लेग कॉपी पकड़ के हाथ में पेन और पढ़ लो भाई, यही मोटिवेशन होना चाहिए दोस्त। तो एग्जाम के दिन कितने रह गए यार, It should be your responsibility to study. IB तो फरवरी में ही आ लिया सर, भाग गया वे। हाँ बस IB और FCAT तो अगले महीने, पता भी नहीं चलेगा कब भी पेपर आ जाएगा। When water is changed into ice, its volume increased by 9%. 9% का मतलब क्या होता है भी? 9/100. 9% का मतलब 9/100. उसने कहा जब वाटर को आइस में चेंज किया तो इसका वॉल्यूम 100 से बढ़ के 109 हो गया, 100 से बढ़ के 109 हो गया। ये वाटर का वॉल्यूम था और ये आइस का वॉल्यूम था। उसने कहा बताओ जब आइस दोबारा वाटर में चेंज होगी तो उसके वॉल्यूम पे कितना फर्क पड़ेगा, यानी कि आप कहोगे मास्टर जी 9 कम हो जाएगा, लेकिन कितने से, 109 से, तो 9/109 इंटू 100%। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, जब भी एग्जाम में आएगा ऐसे फ्रैक्शन में दे देगा, हद से हद मिक्स फ्रैक्शन में दे देगा। बेसिक सवाल था ये, बहुत बहुत बेसिक सवाल। नेक्स्ट, अगले पे चलते हैं। ये देखो एफ कैट लाइक क्वेश्चन, मतलब एफ कैट में ये क्वेश्चन आते हैं। अच्छा नमन ने आज एक पीडीएफ भेजी थी आप सभी को व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे, वो एफ कैट के सारे पीवाई क्यूज है रेशियो प्रोपोर्शन के। तो जो भी लोग रेशियो प्रोपोर्शन कर रहे हैं एफ कैट के लिए बेसिकली,
वो उन सारे क्वेश्चंस को 3-4 पेजेस को पूरा कर लेंगे, 90 के आसपास क्वेश्चंस है, 80-90 के आसपास। और उसमें मैं वैसे ही कैजुअली खोल के देख रहा था उस पीडीएफ को, उसमें 2023 का क्वेश्चन देखा तुम क्या दिया लास्ट में, बिल्कुल सबसे आखिरी क्वेश्चन, इतना बेकार क्वेश्चन, कुछ लेवल नहीं है भाई, कुछ लेवल नहीं है। आप लोग पढ़ के देखना, बहुत मजा आएगा। ये देखो, फर्स्ट नंबर इज 45% लेस देन थर्ड नंबर, सेकेंड नंबर इज 20% मोर देन थर्ड नंबर, द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस देन थर्ड नंबर। समझो इस बात को, बस आपको लैंग्वेज से घुमाना चाह रहा है, सवाल में है कुछ नहीं। फर्स्ट नंबर इज 45% लेस देन थर्ड नंबर, तीन नंबर है, पहला, दूसरा, तीसरा। उसने कहा अगर तीसरा नंबर 100 है, अगर तीसरा नंबर 100 है तो पहले वाला इससे 45% कम है, ये 55 है। सेकेंड नंबर इससे 20% ज्यादा है, यानी कि ये 120 है। समझ में आ गई बात? पांच के टेबल से इसको काट लो, 11, 24 और 20। उसने कहा एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस देन द थर्ड नंबर। पहले इनका एवरेज ही निकाल लिया जाए, इनका एवरेज निकालने के लिए 11 और 24 को करना पड़ेगा प्लस 35 और डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो ये हो जाएगा 17.5। साढ़े उसने कहा कि ये 20 से कितना कम है, 20 से कितना कम है, आप कहोगे ढाई कम है। अब ढाई कितने पे कम है बे? 20 पे कम है। ढाई कितने पे कम है? 20 से कम है। एक पॉइंट हटाया, नीचे जीरो लग जाएगा, आप कहोगे इसका तो फ्रैक्शन बचा 1/8। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। बारह सर ऑप्शन ए आंसर है। किसी को भी डाउट, कोई शक, सवाल तो पूछे हमसे इस सवाल में, जल्दी से बताओ। अरे थक कौन कौन गया रे पढ़ पढ़ के, ये बताओ कौन कौन थक गया पढ़ के, थम्स अप दे जो थक गया पढ़ के। वेरी गुड, अगर कोई सा थम्स अप दे देता ना तो भगवान की कसम अभी एग्जिट अपने आप करवाता, रिमूव सर कर देता। कसम से, आपने यूँ कहा था ना थम्सअप, मैं तो थम्सअप नहीं देने वाला था, मगर ठीक चल रहा मामला, मैं और मैं कसम से थम्सअप रिमूव भेजने मारूंगा, वाला था, मैं मैं थम्सअप रिमूव भेजने वाला था, ठीक है। मैं अरे उसके लिए भेजने पढ़ाई, वाला था, मगर ठीक चल रहा मामला अभी, हाँ ठीक है, आपने पढ़ाई भाई, तुरंत क्राइटेरिया बदल दिया। पढ़ाई तुम्हारी है, करो। ये क्वेश्चन देखो, अच्छा इससे पहले इलेक्शन वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, या फिर ये देखो एक पल्प का क्वेश्चन, पल्प पल्प का क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट है जी, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है ये सवाल। फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 65 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले आप इसको समझो पढ़ के, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको, थोड़ी सी डिटेल्स में हाईलाइट कर देता हूँ। देखो उसने ये कहा था आपसे, ये कहा था कि फ्रेश फ्रूट के अंदर, फ्रेश फ्रूट के अंदर 68% वाटर है और बाकी बचा हुआ फ्रूट है। अच्छा 68% इसमें वाटर है भाई साहब, तो 32% इसमें फ्रूट होगा, 68 और 32। या फिर आप ये कह सकते हो कि जी मैं 4 के टेबल से इसको काट लेता हूँ, या 8 के नहीं, हाँ 4 के टेबल से कट जाए, 4 के टेबल से कट रहा है, हाँ तो यह आ जाएगा जी हमारा 1:7:17:8। फ्रेश फ्रूट की बात चल रही है, लेकिन अगर बात हो ड्राई फ्रूट की, ड्राई फ्रूट में 20% वाटर है, तो 80% क्या है? फ्रूट। या फिर आप कहोगे ये रेशियो आ गया 1:4। अच्छा आप लोगों को ये बात जान लेनी पड़ेगी कि ड्राई फ्रूट जो बनता है वो फ्रेश फ्रूट से ही बनता है, उसके पानी को सुखाकर, या फिर आप ये कहोगे उसके वाटर एक्सटेंट को कम कर दिया जाता है तब ड्राई फ्रूट बन जाता है। यानी कि आप ये कहोगे कि मास्टर जी सिर्फ पानी को सुखाया जाता है, किसी भी ड्राई फ्रूट में फ्रूट का कंटेंट तो सेम ही रहता है, फ्रूट का कंटेंट हमेशा सेम रहेगा। ये बात जिसने याद रख लिया, समझ ली, उसके लिए भी सवाल कुछ भी नहीं,
फ्रूट तो सेम ही रहने वाला है, चाहे ड्राई फ्रूट है चाहे फ्रेश फ्रूट हो, सिर्फ वाटर कम ज्यादा होता है। मैंने कहा यहाँ पे फ्रूट को सेम कर लो, यहाँ पे वन की मल्टीप्लाई करने दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई टू की कर लो, तो ये बन जाएगा 2:8। अब मैंने फ्रूट सेम कर लिया 8:8। उसने कहा फ्रेश फ्रूट की क्वांटिटी कितनी बैठ रही है, फ्रेश फ्रूट की क्वांटिटी बैठ रही है 17 + 8 यानी कि 25। अगर फ्रेश फ्रूट की क्वांटिटी 25 थी तो इससे ड्राई फ्रूट कितना निकला, 10। 10। उसने कहा इस 25 का मतलब ही 65 किलो दिया हुआ है। टोटल वेट कितना दिया हुआ है फ्रेश फ्रूट का, 65 किलो। जब 25 का मतलब 65 है गुरु, तो आप कहोगे 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 13/5। तो 10 का मतलब क्या हो जाएगा, 13/5 × 10 26 किलो सर। यानी कि 26 किलो। इतनी बार रिपीट हुए ना ये वाले सवाल, इतनी बार रिपीट हुए, और बच्चा छोड़ के आता है बेचारा एग्जाम में, लेकिन ये छूटने नहीं चाहिए जी। ये बताओ किसी को समझ में ना आया हो तो दोबारा बता देंगे। बताओ जी बताइए, क्या ये बात क्लियर हुई? बढ़िया, बहुत बढ़िया। इलेक्शंस के क्वेश्चंस देखो, इलेक्शंस के, बस मेरे ख्याल से इलेक्शंस का ही एक टाइप है जो अलग से आपका रह गया, बाकी तो सब कुछ हो गया। हाँ सिर्फ इलेक्शन का टाइप रह गया भाई एक, बाकी सब सेट है, बस इलेक्शन का टाइप रह गया। देर आर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में दो नेता हैं, उन दोनों नेता में से वन गॉट 41% ऑफ टोटल वोट्स एंड लॉस्ट बाय 5580 वोट्स। फाइन टोटल वोट्स। ऐसे में मैं क्या करूंगा, मैं टोटल वोट्स को ही 100 मान लूंगा कि मेरे पास टोटल वोट्स कितने थे 100। इस 100 में से एक को मिले 41, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 59। उसने कहा कि वो जो लूजर था बेचारा, ये लूजर था और ये विनर था, उसने कहा ये लूजर बेचारा 5580 वोट से हार गया। 5580 वोट से ये इसलिए हार गया क्योंकि ये 5580 वोट एक्स्ट्रा जो है ना इस विनर को मिल गए, यानी कि विनर को कितने एक्स्ट्रा वोट्स मिले हैं। आप कहोगे 59 और 41 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 18। 18% वोट जो है विनर को फालतू मिले, इस 18% वोट की वजह से हार जीत का फैसला हुआ है। इस 18% का मतलब ही 5580 दिया हुआ है। जब 18% का मतलब 5580 है तो 1% का मतलब कितना आ जाएगा, 310। जब 1 का मतलब आ गया 310, तो 100% यानी कि टोटल वोट्स कितने आ गए, 31,000। बताओ जी सवाल में किसी को कोई दिक्कत आई हो तो परसेंट लगा लो यार, परसेंट। ये तो बहुत बेसिक था, बहुत बेसिक, बहुत बेसिक। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते, नेक्स्ट पढ़ना इसको जरा, क्या चीज है अपने आप में। देर वर टू नेता इन एन इलेक्शन, वन गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। अब ध्यान से देखना, 20% ऑफ द वोट्स फॉर इनवैलिड। इफ टोटल वोट्स आर 5500, हाउ मेनी वैलिड वोट्स डिड द अदर पर्सन गॉट। देखो सुनो मेरी बात, उसने ये कहा कि टोटल 5500 वोट्स थे, यानी कि टोटल 5500 आदमियों का नाम था भैया वोट वाली लिस्ट में, टोटल 5500 आदमियों का नाम था वोट वाली लिस्ट में, उसमें से इनवैलिड कितने हो गए, 20%, यानी कि फर्जी वोट, फर्जी। यानी कि इन 5500 में से सिर्फ 80% वोट्स की काउंटिंग होगी। मुझे ये बताओ, इन 5500 में से सिर्फ 80% वोट्स की काउंटिंग होगी।
आपने 80% निकाला, यानी कि आप मल्टीप्लाई कर दोगे 4/5 से इसकी, तो ये आ जाएगा 4400। ये थे वैलिड वोट्स, टोटल 4400 वोट्स वैलिड है। इस 4400 में से भी जो विनर है उसको 55% मिले, ठीक है? तो भैया दूसरे पर्सन को कितने मिले होंगे? 45% मिले होंगे। जब इन वैलिड वोट्स के 55% एक आदमी को मिले हैं, तो दूसरे वाले को 45 मिले होंगे। वही आपसे पूछा है, हाउ मेनी वैलिड वोट्स डिड द अदर पर्सन गॉट, तो उसको 45% मिले होंगे, यानी कि आप इसकी मल्टीप्लाई 9/20 से कर दोगे। 9/20 से मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 1980। डी बताइए जी बेटा जी, किसी को कोई गड़बड़ लगी हो इस सवाल में, कोई दिक्कत आई हो, या कुछ ऐसा लगा हो कि अटपटा हो गया, तो बताएं हमसे। बताओ 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 बताओ, क्लियर है? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। रितेश कुमार जी भाई, समझ में आ रहा है रितेश? बताओ। यस सर जी। ठीक है आलोक। यस सर। स्माइली। हाँ सर। बढ़िया। देर आर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, अगेन दो नेता हैं। 8% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, एबसेंट हो गए जी। The winner candidate secured 48% votes of total votes and won by 1100 votes. Find the number of votes. देखो इस चीज को, उसने कहा कि टोटल 100% वोटर्स में से, टोटल 100% वोटर्स में से 8% ने भैया वोट दिया ही नहीं, एबसेंट हो गए। फोर्टी एट परसेंट लोगों ने वोट दिया विनर को, तो भैया लूजर को कितने परसेंट लोगों ने वोट दिया होगा? क्या आप कहोगे 44% ने दिया होगा? तभी तो 8 + 48 + 44 100 बैठेंगे। ये बताओ ये विनर को मिले विनर। उसने कहा कि विनर जो जीता है वो 1100 वोट से जीता है। ये 1100 वोट्स इसलिए एक्स्ट्रा आ गए उसके पास क्योंकि यहाँ 4% का फर्क था। इस 4% का मतलब ही 1100 दिया हुआ है। 1100 जब 4 का मतलब 1100 है, आप डायरेक्ट 1 की वैल्यू निकाल लो, 275 आ जाएगी। तो बेटा जी 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 27,500। ऑप्शन बी आंसर आ गया। यही पूछा था उसने कि भैया टोटल वोट्स बताओ। कोई शक सवाल प्लीज बता दीजिए, चलते हैं अगले सवाल पे। वरना प्लीज स्टॉप मी इफ यू फाइंड एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन। अच्छा अभी डाउट नहीं आएगा, डाउट तो यहां से आना शुरू होगा, डाउट तो यहां से आना शुरू होगा। देखो जी सुनो, देर आर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में दो नेता हैं। अगेन 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, अगेन ये एबसेंट हो गए। एबसेंट हो गए जी, गए नहीं, घर से बाहर नहीं निकले। 10% ऑफ वोट्स वर फाउंड इनवैलिड, बाकी वाले जितनों ने वोट दिए उनमें से 10% लोगों का वोट भैया इनवैलिड, फर्जी हो गया। तो विनर कैंडिडेट जो था उसको 50% ऑफ द वैलिड वोट्स मिले और वो 1620 वोट्स से जीत गया। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड, आप समझना इस बात को बड़े प्यार से। उसने ये कहा कि 100% वोटर्स अगर मेरे पास थे
एक लिस्ट में 100% वोटर्स थे। इस 100% में से बेटा जी 10% तो एबसेंट हो गए, एबसेंट। तो 90% ने वोट दिया होगा। उसने कहा इस 90% में से भी जिन्होंने वोट दिया था, 10% का वोट इनवैलिड हो गया। आप 90% का 10% निकालोगे तो आप ये ना कहोगे कि 9% का वोट वैलिड हो गया होगा, तो अब बचे हमारे पास 81%, यही वैलिड वोटर्स होंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट तो मुझे बताए। उसने आपसे ये नहीं कहा था यहां पे कि 10% ऑफ टोटल वोट्स वर इनवैलिड, नहीं जी, 10% ऑफ 90% वॉज इनवैलिड। तो 90% का 10% आप निकालोगे तो 9 आएगा। समझ में आई बात आपको? यानी कि 81% लोगों ने ही वैलिड वोट्स दिए। इस 81% में से भी, अब ध्यान से समझना और दिमाग लगाना पड़ेगा, इस 81% में से भी 54% मिले हैं जीतने वाले लड़के को, तो 46% मिलेंगे लूजर कैंडिडेट को। अब आप मुझसे ये मत कहना कि जी 81, जब 54 एक को मिले हैं तो 81 में से 54 माइनस कर दो और अंत में लिख दो 27% मिलेंगे लूजर को, ये मत कह देना बिल्कुल भी। क्योंकि अब उसने ये कहा है कि 54% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, यानी कि इसने इनवैलिड वोट्स को अपने आप में एक होल क्वांटिटी माना है। उसने 54% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स बोला है बेटा जी, यानी कि इसने वैलिड वोट्स को अपने आप में एक होल क्वांटिटी माना है। उसने कहा कि अगला बंदा 1620 वोट से जीता है, यानी कि यहाँ पे फर्क कितने का आ रहा है, 8% का। इस 8% का मतलब आपको दिया हुआ है 1620। आप कहोगे 8% का मतलब आ गया 1620, लेकिन ये 8% इस टोटल 81 के 8% की बात कर रहा है, समझो इस बात को, ये 81 के 8% की बात कर रहा है। जब 8% का मतलब 1620 आ गया तो आप कहोगे 1% का मतलब कितना आ जाएगा, ये 8 से नहीं कटेगा, एक मिनट रुको, ये 8 से नहीं कटेगा। जब 8% का मतलब 1620 आया है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे एक खेल खेलेंगे, हम कहेंगे ये 8% 100% का नहीं है, ये टोटल वैलिड वोट्स की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है इस 81% की। यानी कि भैया 81% का भी 8%, 81% का भी 8% की वैल्यू दी हुई है 1620। ये बात जिसको समझ में आ गई भाई वो चीता है, ये बात जिसको समझ में आ गई वो चीता है भाई जिंदगी में। इस 81% के 8% का मतलब भी आपको 1620 दिया हुआ है, तो आप कहोगे ये 9 के टेबल से कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, 1620 मैंने कट किया तो आया 1 और 8 80, 9 कैंसिल हुआ, यहाँ पे बचा 20 और 8, ये 2 और ये 25 और इस 2 से ये 20 कटा, आया 10। ये कैलकुलेशन अपने आप कर लेना। ये अंततः वैल्यू आएगी जी, 1 की वैल्यू आ गई 25 × 10 250। जब 1 की वैल्यू आई है 250 गुरु, आपसे पूछा था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड, यानी कि 100 की वैल्यू आपसे पूछी थी, तो वो हो जाएगी 25,000। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताए, एक बार ध्यान से देख लो इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिखा रहा हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिखा रहा हूं। उसने 81% को ही टोटल एक अपने आप में एक दुनिया मान ली कि ये टोटल वैलिड वोट्स की एक दुनिया है। इस दुनिया के 54% वोट मिले हैं विनर को, तो इसी दुनिया के 46% मिले होंगे लूजर को। इस दुनिया के 8% का मतलब दिया हुआ है 1620, तो भैया इस दुनिया की अगर वैल्यू निकालनी है, इस दुनिया की वैल्यू निकालनी है तो 8% का मतलब 1620 है, तो 1 का मतलब आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप यहाँ पे 1% का मतलब निकालते, 1% का मतलब निकालते तो वो क्या आता बताओ, मुझे बताना जरा, पॉइंट में आंसर आएगा बताओ जल्दी से। 1620 को मैं डिवाइड कर दूं अगर 8 से तो आ जाएगा 202.5,
अगर मैं यहां 100% की वैल्यू निकाल दूंगा तो वो क्या आ जाएगी, 20250। अब पता ये क्या आया है बताओ, कौन बता रहा है ये 20250 क्या है, कौन बता रहा है? कोई भी आए सामने और बता दे कि ये 100% 20250 आ गया है। 81%। हाँ भाई 81% का वैल्यू, ये टोटल 81% जनता है। जब 81% का मतलब 20250 है ना, तो आप 100% का मतलब निकाल लेना, 25,000 ही आएगा। अब मतलब समझ में आया लोगों को, अच्छी बात है। 20250 को आप 81 से डिवाइड लगाओ, आपके पास 250 आएगा, और आप उसमें मल्टीप्लाई कर दो 100 की, तो 25,000 आ जाएगा आपके। समझे मुन्ना? चलो बढ़िया है, समझ में आया तो अच्छी बात है। ये देखो, ये सवाल देखो, ये क्वेश्चन देखो। देर वर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 75% ऑफ वोटर्स कास्टेड देयर वोट्स, आउट ऑफ विच 2% ऑफ वोटर्स वर इनवैलिड। ये क्वेश्चन भी पता है उस तरीके से होगा कि भैया टोटल वोट्स थी, टोटल वोट्स थी, उन टोटल वोट्स में से 75% लोगों ने वोट कास्ट करी, 75% ऑफ द पीपल कास्टेड देयर वोट्स, आउट ऑफ विच 2% इनवैलिड आ गई, 2% वोट्स इनवैलिड थी, तो आप कहोगे टोटल 98% वैलिड होंगी। अब इसमें से भी एक कैंडिडेट को 9261 वोट्स मिली है, जो कि इन टोटल वैलिड वोट्स का 75% है, यानी कि इसी का 75% इक्वल आ रहा है जी 9261 के। उसने पूछा है कि टोटल वोट्स की वैल्यू बताओ। चलो रे फटाफट सिंप्लीफाई करो इसको जल्दी से। ये देखो 75/100 तो 3/4 ही हो जाएंगे, 3/4, 3/4। अच्छा ये 3 × 3 9 बन जाएगा, और इस 9 से 9261 कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा यहाँ पे 10, और 26 बचेगा फिर 2 और 9, 1029। उसके बाद मैं 49 से इसको काट लूंगा और 50 से इसको काट लूंगा, 7 के टेबल से कट जाएगा जी 49, तो आएगा 7, और यहां बचेगा 1 4 7, फिर दोबारा से 7 के टेबल से कटेगा और इधर बचेगा हमारे पास 21, यानी कि टोटल वोट्स कितनी आएंगी, 21 × 4 × 4 × 50। 50 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे 200, 200 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे 800, 800 की मल्टीप्लाई 21 में कर दोगे तो 16,8,168,00। टोटल वोट्स कितनी आ गई, 16,800। इसमें किसी को डाउट नहीं आना चाहिए, तो आसान सवाल था, दिस वॉज अ इजी क्वेश्चन, इसमें किसी को डाउट नहीं आना चाहिए, फिर भी किसी को है तो बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, ये है तगड़ा क्वेश्चन, सीडीएस 2015, सीडीएस 2015 तगड़ा क्वेश्चन भाई, लेवल है। सीडीएस 2015 लेवल है भाई सवाल का। देखो, देयर वर टू कैंडिडेट्स, अब दो तरीके से समझाऊंगा मैं इसको तुम्हें, बहुत ही दिमाग खोल के रखना अपना और समझना इस चीज को। पहला तरीका सबको समझ आएगा, दूसरा तरीका कुछ ही लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, देयर वर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 10% ऑफ वोटर्स, चैलेंज है कि दूसरा तरीका सबको समझ में आ जाए तो, 10% ऑफ द वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट्स, 10% लोग एब्सेंट हो गए, 60 वोट्स वर फाउंड इनवैलिड। अब देखो 60% की बात नहीं कर रहा, 60 गिनती के वोट्स की बात कर रहा है। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 47% ऑफ टोटल वोट्स एंड वन बाय 308 वोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड।
पहला तरीका ये है जी कि मैंने टोटल वोटर्स को मान लिया 100x, ना चाहते हुए भी वेरिएबल मानना पड़ेगा 100x। इस 100x में से 10x लोगों ने तो भैया वोट दिया ही नहीं, एब्सेंट हो गए, और हमारा जो विनर था उसको मिल गए 47x वोट्स विनर को। आप कहोगे वोट्स बचे कितने होंगे मास्टर जी, 43x बचे होंगे, 43x बचे होंगे, लेकिन बचते तो सारे 43x ही है, ये सारे लूजर को पड़ जाते। लेकिन बदतमीजी यहां तक आ गई कि भैया इसमें से 60 वोट्स इनवैलिड हो गए, तो लूजर को जो मिला ना वो 43x माइनस 60, इतने वोट्स मिले लूजर को। ये बात समझ में आई जी सभी को, बता दो आ गई, ये तो बता दे, ये बात समझ में कि लूजर को 43x माइनस 60 वोट्स मिले, क्योंकि 60 वोट्स इनवैलिड हो गए, 60 वोट्स तो इनवैलिड हो गए थे। आप कहोगे जब ऐसा है मास्टर जी, जब ऐसा है तो आप ये बताओ मुझे कि जो विनर है वो 308 वोट से जीता है। इस 308 वोट का मतलब है कि अगर मैं विनर और लूजर का डिफरेंट निकाल दूं, डिफरेंस निकाल दूं, यानी कि 47x में से मैं माइनस कर दूं 43x माइनस 60, तो आंसर आना चाहिए 308। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है गुरु। तो आप कहोगे कि 4x प्लस 60 का मतलब आ जाएगा 308, यानी कि 4x की वैल्यू आ जाएगी 248, तो x की वैल्यू आ जाएगी 62। जब x की वैल्यू आ जाएगी 62, तो आप कहोगे 100x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6200। ये आ गया जी पहला तरीका, और यही तरीका आपको समझना, मैं तो कहता हूं इस तरीके को समझो, दूसरा तरीका बताते ही नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी इससे। बता दूं या फिर बताओ? सर बता दो मुझे किस कंफर्म करनी उसमें। अच्छा ठीक, चलो जी पहला तरीका तो ये हुआ। इसमें किसी को डाउट हो तो मुझे अभी रोक दे बीच में, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, इसी दोबारा समझा दूंगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। देखो दूसरा तरीका ये कहता है कि मास्टर इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अगर टोटल 100% लोग थे, टोटल 100% लोग थे, उसमें से 10% ने वोट दिया ही नहीं, और 47% वोट पड़ गए हमारे विनर को, अच्छा वोट बचे 43%। अब ये 43% नहीं है पूरे, ये पूरे 43% है ही नहीं, इसमें से 60 लोग तो मक्कार हैं, 60 लोग तो यहां मक्कार निकल गए थे, जिन्होंने भैया नाक में दम कर दिया था, फर्जी वोट आ गए थे। मैंने कहा एक काम करता हूं, मैं उन 60 वोट को भी गिनता ही नहीं, मैंने कहा ये आदमी सपोज करो मर गए, खत्म हो गए जी, मैंने उन आदमियों को मार दिया, मैंने कहा भाड़ में जाएंगे। और मैंने क्या किया, वो 60 आदमी जो थे ना, इस 43 को वाकई में 43 बनाने के लिए मैंने 60 आदमी विनर के शिफ्ट कर दिए लूजर के पास, विनर के शिफ्ट कर दिए मैंने लूजर के पास 60 आदमी। तो आप कहोगे कि पहले अगर विनर 308 वोटों से जीत रहा होगा, अब वो 308 से ना जीतेगा, अब वो 248 वोटों से ही जीतेगा, यानी कि इस 4% का मतलब अब आप डायरेक्ट निकाल दोगे, 4% का मतलब है 248। जब 4% का मतलब 248 आ रहा है, तो 1% का मतलब आ जाएगा 62, और 100% का मतलब आ जाएगा 6200। जिस भी आदमी की परसेंटेज कंफर्म नहीं थी, भाई लूजर की परसेंटेज कंफर्म नहीं थी कि उसको कितने परसेंट वोट मिले, आप उसमें एक्स्ट्रा वोट डाल सकते हो, याद रखना इस बात को, याद रखना इस बात को, उसमें आप एक्स्ट्रा वोट डाल सकते हो। जिसको ये समझ नहीं आया ना, वो कोई टेंशन ना ले, पहले वाला मेथड देखो, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, 100x वाला, ये भी अच्छा मेथड है। किसी को शक सवाल कोई इसमें, सेकंड मेथड में शक सवाल रहने दो, पहले वाले बताओ, सेकंड वाले बता दो एक बार, सेकंड वाले रहने दे, पहले ही बता, पहले में आया कुछ शक सवाल,
वो समझ आएगा। 43 मतलब 43% में से 60 निकाल लिए थे उसमें से, एक हाँ जगह 60 निकाल लिए, एक जगह 60 जोड़े हैं, तो परसेंटेज पे इफेक्ट क्यों ना पड़ रहा फिर भाई? छोड़ दे भाई, मैं कह रहा हूँ ना, तो मत सीख उसको, मत सीख। नहीं वो इनवैलिड थे ना इस वजह से भाई। नहीं वो इनवैलिड है भाई, वो इनवैलिड है, उन्हें तो मरा मान लिया मैंने गांव में, ठीक है भैया, उन्हें तो गांव में मरा मान लिया, लेकिन गांव में पॉपुलेशन तो जब भी 100% ही मानी मैंने, जितने बचे हैं जिंदा जितने बचे हैं उन्हें मैंने जिंदा को 100% मान लिया। ठीक ठीक है सेकंड भैया। सर मेरा एक मेथड। क्वेश्चन था, हाँ बता बता। मैटर से रिलेटेड नहीं है सर। इसमें इसने कहा है कि 60 वोट्स वर फाउंड इनवैलिड, द विनिंग कैंडिडेट गॉट 47%। तो जब पहली उसके इनवैलिड है 60 वोट, तो हम सिंपल 308 में से माइनस करके ना निकालने परसेंटेज करा तो हमने वही है उसमें भी। यही तो गया है यहाँ पे, यही हाँ सर वही तो पूछ रहा हूँ मैं अभी, तो तो कहा यही हमने, तो हो रहा वही तो किया हमने, है। अच्छा ठीक है सर, बस यही। वही तो किया है दोस्त। सेकंड मेथड में साठ हाँ ठीक है परसेंट सर, 60 वोट से निकाली 308 में से, 248 है वो। ठीक ठीक है ठीक। है, पहला मेथड समझो, ये बहुत अच्छा है, मतलब इजी अंडरस्टैंडेबल है। आगे बढ़ते हैं, बस अब कुछ नहीं बचा है, अब कुछ नहीं बचा है, अब तो बस तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, लेकिन लेवल अच्छा है, सीरियस का लेवल है सामने। देख लो जी ये सवाल देख लो। ओ भाई जो जो अभी तक क्लास में बैठा है ना यार यहाँ पे, भाई दिल से दुआ है कि तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाए, कसम से दिल से दुआ है तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाए। और जो जो 12 बजे से पहले नहीं सोता, 12 बजे तक पढ़ते हैं, और सुबह फिर कोचिंग आते हैं दोबारा पढ़ते हैं, भाई बहुत मेहनत है, भगवान करे आप इस साल सिलेक्शन पा लो भाई, हैट्स ऑफ भाई, हैट्स ऑफ। और तुम लोग मेहनत करते हो ना भाई, मेरा खूब मन करता है कि तुम्हें अच्छा अच्छा कंटेंट दूं मैं, फॉर्मेलिटी करने का मन नहीं करता। मैं यहाँ पे 57 स्लाइड्स लेके बैठा हूँ, और इन 57 से बाहर परसेंटेज का सवाल नहीं आ सकता भाई साहब, मतलब कॉन्सेप्ट तो आ नहीं सकता, टाइप कोई नई क्रिएट हो सकती है, लेकिन वही परसेंटेज तो परसेंटेज ही रहने वाली है। ऐसी लगे रहो यार, ऐसी लगे रहो। 2/5% ऑफ द वोटर्स प्रॉमिस टू वोट फॉर कांग्रेस, 5 में से 2 लोगों ने कहा कि हम कांग्रेस को वोट देंगे, बाकियों ने कहा कि हम बीजेपी को वोट देंगे। इलेक्शन वाले दिन 15% वोटर्स ने अपनी औकात दिखा दी कांग्रेस वालों ने, और कह दिया कि हम नहीं दे रहे तुझे वोट। 25% वोटर्स ने बीजेपी वालों ने अपनी औकात दिखा दी कि भाई हम बीजेपी को वोट नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी मशीन में गड़बड़ हुई और बीजेपी जीत गई 600 वोट से। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे। अच्छा मैं ना यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोट्स थी 5 का मल्टीपल 500 मान लेता हूँ, 500 टोटल वोट्स। अब इसके ऑप्शंस गलत है, ठीक है ऑप्शंस पे मत जाना, ऑप्शंस गलत है इसके, ऑप्शंस गलत है, आंसर डी आएगा। टोटल वोटर्स मैंने 500 मान लिए, उस 500 में से 200 ने कहा था कि हम भैया कांग्रेस को वोट देंगे, और 300 ने कहा था कि हम बीजेपी को वोट देंगे, 300 ने कहा था हम बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन इलेक्शन वाले दिन क्या हुआ, इस 200 के 15% ने कहा कि भैया हम ना दे रहे वोट कांग्रेस को। 15% का मतलब हो जाएगा, अच्छा 200 का 15% कितना होगा, 30। तो माइनस के 30 लोग, ये 30 लोग यहां से हट गए, और ये 30 यहां पे आ गए बदतमीज। तो यहां पे बचे कितने, 170 लोग, वोट देने वाले बचे 170। अब भैया बीजेपी वाले जो 300 थे, इन्होंने कहा कि 25% लोग थे इनमें से जिन्होंने कहा कि हम बीजेपी को वोट ना दे रहे भाई, यानी कि इन्होंने कहा कि 25% लोग हार मान गए, यानी कि टोटल 75 लोग माइनस हो गए यहां से। नेट कितना बचा बीजेपी के पास, अभी 300 प्लस 30, 330, 330 माइनस 75, 255 बीजेपी के पास बचे, 255 लोग फाइनली। अच्छा ये 75 जो यहां से भागे थे आए कहां पे, कांग्रेस के पास आए होंगे, तो यहाँ 75 ऐड हो गए होंगे। आप कहोगे कांग्रेस के पास कितने वोटर्स बचे हैं, 245 वोटर्स बचे, 245 लोगों ने वोट दिया कांग्रेस को, 255 ने दिया बीजेपी को, फर्क कितने का आया, 10 का। उसने कहा बीजेपी 600 वोट से जीती है, इस 10 का मतलब भी मुन्ना आपको 600 दिया भाई, तो आप कहोगे एक का मतलब हो जाएगा 6, या फिर डायरेक्ट कह लो 10 का मतलब है 1।
600, तो 100 का मतलब हो जाएगा 6000, और 500 का मतलब होगा 30,000। तो टोटल वोटर्स 500 थे, 30,000 इसका आंसर है। सिर्फ बैलेंसिंग का क्वेश्चन था, जैसे हमने वो किए थे ना क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन में, कि सैलरी थी, एक वर्किंग पार्टनर था, एक स्लीपिंग पार्टनर था, उसे वो रेंट पे कर रहा था, ब्याज पे कर रहा था, वो वाले क्वेश्चन है, अजीत सुजीत वाले। बताओ रे, समझ में आया सभी को? किसी को कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो उसमें तो बता सकते। गुड, आगे चलते हैं। ये सवाल देख लो, अच्छा दो सवाल और कर लो फिर चले जाना, सिर्फ दो सवाल रह गए हैं, ओनली टू क्वेश्चन लेफ्ट। एक ये है भाई और एक ये क्वेश्चन है, ये वाला नहीं, ये वाला। इन अ सिटी 45% ऑफ मेन आर मैरिड एंड 25% ऑफ वुमेन आर मैरिड। एक शहर में 45% मेन और 25% वुमेन मैरिड है। कंसीडरिंग दैट नोबडी इज मैरिड मोर देन वंस, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज मैरिड। अबे सिंपल सी बात है, जितने आदमी मैरिड होंगे उतनी ही औरतें मैरिड होंगी। यानी कि भैया मेन का 45%, 45% ऑफ मेन इज इक्वल टू 25% ऑफ वुमेन। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। ऑफ से ऑफ कैंसिल हो रहा है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो रहा है, तो आप कहोगे मेन अपॉन वुमेन कितने आ गए, 5/9। 5/9 आदमियों और औरतों का रेशियो कितना आ गया, 5/9। या फिर आप कह सकते हो उसको मैं 500 और 900 मान सकता हूं, तब भी रेशियो 5/9 का रहेगा। ये मैंने 500 900 इसलिए माना क्योंकि अब मैं 45% निकालने वाला हूं मेन का। इस 500 में से अगर 45% मैरिड है तो भैया 9/20 की मल्टीप्लाई करनी है। कितने बैठेंगे, 225 लोग, 225 लोग। आप 900 का भी अगर 25% निकालोगे, 900 का भी आप 25% निकालोगे, तो आप 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे, अब भी आएगा 225। अब आप देख लो, 500 का 45% बैठ रहा है 225, और 900 का 25% बैठ रहा है 225। आदमी और औरत तो सेम ही हो गए ना भाई एंड में जाके। देखो 225 225, आप कहोगे टोटल जनता मैरिड कितनी है, 450। उसने पूछा कि बताओ पॉपुलेशन विच इज मैरिड परसेंटेज, 450 लोग मैरिड हैं टोटल, 500 प्लस 900, 1600, 1400 में से 500 प्लस 900, 1400 लोग हैं भाई कंप्लीट। आप इसका परसेंटेज निकाल लोगे भाई, मल्टीप्लाई कर लो 100 की, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 100 की, यहाँ पे तो आपके पास आ जाएगा दोस्त यहाँ पे 32.1%। सॉल्व हो गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। बताइए जी देवी और सज्जनों, किसी को इस सवाल में कोई दिक्कत हो तो बता दे हमें कि मास्टर जी इसमें दिक्कत आ गई। इजी था, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी ये सवाल देखो, ए अर्न्स 25% मोर देन बी, सी अर्न्स 25%। ये लास्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है जी, लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा इससे पहले एक क्वेश्चन है ये वाला, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इसको होमवर्क में करेंगे क्योंकि मैं बार बार इक्वेशन वाले क्वेश्चन नहीं करवाना चाहता। अगर आपको डाउट आता है तो भाई नंबर आपको पता है, 8823799। एनी टाइम यू कैन टेक्स्ट, ओनली टेक्स्ट, कॉल मत करने लग जाना, ओनली टेक्स्ट। कॉलिंग ना अवेलेबल नहीं होती हर वक्त, टेक्स्ट कर देना। अगर बात भी करनी है तो बस लिख के बोल देना कि सर एक बार कॉल कर लेना इस पर्टिकुलर टाइम पे, मैं खुद कॉल कर लूंगा। ठीक है, मैं खुद कॉल कर लूंगा, आप बस बता देना एक बार। ए अर्न्स 25% मोर देन बी, ए बी से 25% ज्यादा कमाता है। मैं कहूंगा ए रेशियो बी कितना आ जाएगा,
ए अर्न्स 25% मोर देन बी, यानी कि अगर बी कमाता है 4 तो ए कमाता है 5। उसके बाद उसने कहा सी अर्न्स 25% मोर देन ए, सी अर्न्स 25% मोर देन ए, यानी कि अगर ए 4 कमाता है तो सी 5 कमाता है। अभी मैं ए बी सी का रेशियो निकाल लेता हूँ यार, एक काम करता हूँ ए बी सी का रेशियो निकाल लेता हूँ, आगे जाके ना क्वेश्चन बहुत लेंदी लग रहा है मेरे को, तो मैं अभी ए और बी और सी का रेशियो निकाल के चलता हूँ, ए बी और सी का रेशियो। यहाँ पे ए सेम आ रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई 4 की कर लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई 5 की कर लेंगे, तो आप कहोगे ए तो आ गया 20, ए तो आ गया 20, बी आ गया 16 और सी आ गया जी 25। आगे उसने ये कहा अगली स्टेटमेंट में, ए अर्न्स 20% मोर देन डी, ए अर्न्स 20% मोर देन डी, ए डी से 20% ज्यादा कमाता है, यानी कि अगर डी कमाता है 5 तो ए कमाता है 6। अच्छा अब ये 6 और इस 20 को इक्वल करना है तो यहां पे मल्टीप्लाई करो भाई 3 की, 60 बना लेंगे इनको, और यहां मल्टीप्लाई कर दो 10 की, यहां मल्टीप्लाई कर दो 10 की, ए को 60 बनाना है, बैलेंसिंग करनी है साथ के साथ, तो ये हो जाएगा 60, 16 दिया 48 और 75, सी आ जाएगा 75। यहां पे डी कितना बैठेगा, ए तो बैठ जाएगा 60 और डी बैठ जाएगा 50। तो हम इसके साथ साथ अब ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी भी लिख सकते हैं, ए बी सी और डी, ये आ जाएगा 60 रेशियो 48 रेशियो 75 रेशियो 50। आगे उसने ये कहा कि ई अर्न्स 20% मोर देन ए, ए और ई को भी कंपेयर करा है, अगर ए कमाता है 5 तो ई कमाता है 6। अब इस 5 को 60 बनाना है तो मल्टीप्लाई कर लो इसमें 12 की, 60 रेशियो 72, 60 रेशियो 72, तो आप कहोगे ई कितना आ जाएगा 72। बस सवाल पूरा हो गया। आगे बस एक छोटी सी लाइन आपको गिवन थी दोस्त, आपसे ये कहा था कि ऑल ऑफ देम अर्न एन इंटीजर अमाउंट लेस देन 100, सारे के सारे एक इंटीजर अमाउंट अर्न करते हैं 100 से कम में, तो बताओ सबने कुल मिलाकर कितने पैसे कमा रखे। भैया मुझे बताओ सी की तो इनकम आ रही है 75, सी की तो इनकम आ रही है 75 और ई की आ रही है 72, ना तो ये इससे कम हो सकती है, अब क्योंकि रेशियो कट नहीं सकता आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, अगर मैं इसको दुगना कर दूंगा तो 100 से ऊपर निकल जाएगा। तो भैया ये जो आपकी इनकम्स आ रही है ना यहाँ पे, ये एग्जैक्ट इनकम्स आ रही है 60 48 75 50 और 72, क्योंकि ये सब 100 से छोटी है, तो इनका आप सम पूछ रहा है आपसे, 48 60 75 50 और 72 का सम पूछ रहा है, 305 आंसर आ जाएगा, 305 आपका आंसर आ जाएगा जी, सॉरी कह रहा 305, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। तो भाई दैट्स ऑल, दिस वाज योर परसेंटेज, एक बार देख लेते हैं कि हमने कितना कर लिया, देख लो 57 पेज की पीडीएफ भाई आपने सॉल्व कर ली है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, बट अगेन प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। इसकी पीडीएफ तो अभी आपके पास अपलोड हो जाएगी ड्राइव पे, ठीक है, वो ड्राइव वाला लिंक है ना बहुत कम है, उसमें सारी पीडीएफ है और सॉल्व पीडीएफ है सारी ये वाली, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने छुड़वाए हैं आपको जो होमवर्क में दिए, उनको ट्राई करना और व्हाट्सएप पे भेज देना अगर डाउट आता है तो, ठीक है, फिर हम समझा देंगे आपको अलग से। फिलहाल के लिए परसेंटेज होता है जी आपका समाप्त, और हम कल से शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, दो दो घंटे की क्लास भी खींच सकते हैं जी, मर्जी है, ठीक है, हमारी मर्जी, हम जो करें, ठीक है, पर आप लोग रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो यार, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग भी है, ठीक है, चलो किसी को कोई डाउट हो तो वो रुक सकता है, बाकी यू कैन गो, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी को, आपका पेपर निकल जाए। अब पढ़ना चुपचाप रात को बैठ के, अभी सोना नहीं है किसी को, रिविजन करके सोना, मैथ्स छोड़ देना, मैथ्स मत करना, मैथ्स मत करना, इंग्लिश करके सो जाना, इंग्लिश के पीवाईक्यू लगा लेना बैठ के।